देखिए, पहली बात तो आपके उसकी बात करते हैं रेल रूट के बारे में, ठीक है। रेल रूट सिंपल पैटर्न होता है, रेल रूट सिंपल पैटर्न होता है, इसमें कोई जो है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं पहले आपको बेरिश केस समझा देता हूँ, फिर बुलिश केस समझा देता हूँ। इसमें बस देखना ये होता है कि मार्केट जो है ना वो बेसिकली ये देखना होता है कि जो मार्केट पहली कैंडल, तो अगर देखें पहले पीछे से जो है वो ट्रेंड आपका अब ज्यादा जा रहा है, ठीक है। उससे हमें कोई सरोकार नहीं है भाई, वो अप ही होगा। सारी बात है, अगर आप रेल रूट बेरिश रेल रूट देखोगे तो पीछे से ट्रेंड क्या होगा, अप ही होगा, सही है। वहां पे आके एक्सट्रीम लेवल पे बुलिश एक कैंडल बनी, और जो बेरिश कैंडल बनेगी ना उसकी ओपनिंग से मसला नहीं है, ओपनिंग नीचे से हो या ऊपर से हो कहीं से भी हो, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए ना वो बुलिश कैंडल की ओपनिंग के करीब होनी चाहिए। इसको बोलते हैं रेल रूट। क्या ये बात क्लियर है क्या, या इसके अंदर और किसी किस्म की इसको डिफाइन करना जरूरी है? नहीं, अब मुझे बात चल रहा है। मतलब ऊपर से तो मैटर नहीं लगता, जितने नीचे बुलिश जो क्लोजिंग है वो बेरिश थी, ऊपर होनी चाहिए ओपनिंग से, ऐसे ही है। नहीं, ऐसे नहीं। आपके लिए सिंपल बता देता हूँ, जो बेरिश कैंडल होगी ना, जो बेयर की कैंडल होगी, बेरिश कैंडल, वो बेरिश कैंडल की जो क्लोजिंग होगी ना वो करीब करीब बुलिश कैंडल के ओपनिंग के करीब करीब होनी चाहिए। अब बात समझ में आई, सिंपल करके बता रहा हूँ। आप समझ आ गई। नहीं समझ, सही ना? सिंपल डार्क क्लाउड पैटर्न ये होते हैं। डार्क क्लाउड पैटर्न का क्या होता है कि ये आपको आपको शायद थोड़ा कन्फ्यूजन हो, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, मैं नोट पढ़े हुए जो कि बेसिक्स के हो। मैं बेसिक्स जो है वो इंटरमीडिएट लोगों को बेसिक्स पढ़ाता नहीं हूँ, सही है, इसीलिए मैंने आपसे कल पूछा था, सही है ना? तो ये देखें, ये होती है बेरिश कैंडल, ये स्टॉक मार्केट्स में आपको ज्यादा मिलेगी। उसमें होता ये कि इसके लिए जरूरी है कि जो डार्क क्लाउड की जब बात करते हैं, इसके लिए जरूरी है कि बुलिश पैटर्न, जो बुलिश जो कैंडल बनी है मार्केट, इसके ऊपर आए, इसके ऊपर से गैप से शुरू हो जो बेरिश कैंडल है, और फिर वो नीचे आके क्लोज हो। तकरीबन 50 टू 60% जो बुलिश कैंडल है ना उसके नीचे जाके क्लोज हो, तो ठीक है, ऐसे ही उसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम, डार्क क्लाउड कहते हैं ठीक 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 उसको, हम ठीक कहते हैं डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड नाम पूरा नाम नहीं होता, इसका नाम होता है डार्क क्लाउड कवर, इसको बोलते हैं। और अगर इसका उल्टा हो जाए ना, यानी बुलिश केस के लिए, तो फिर वो डार्क क्लाउड कवर नहीं रहती, फिर वो उसको बोलते हैं पिर्सिंग लाइन। ये अच्छा, शायद आपको पता प्राइसिंग, होगा, जी, प्राइसिंग लाइन। हाँ, पिर्सिंग लाइन, उसी को बोलते हैं पिर्सिंग लाइन। में ये होता है कि मार्केट के अंदर ये हो गई आपकी बेरिश, यानी इसका क्या मतलब है, पीछे से जो ट्रेंड आ रहा होगा वो क्या होगा, उसका मतलब ट्रेंड बैरिश वो हो रहा, डाउन होगा, डाउन हो रहा, ऐसे ही। हाँ वो डाउन होगा, हाँ। और ये जो होगा ना, ये यहाँ से शुरू होगा, और यहाँ से शुरू होगा, तकरीबन तकरीबन ये इतना ऊपर तक जाएगा, सही है। और ये इसका भी यही है कि ये जो होगा ना, इसके तकरीबन 50% या 60% 70% के ऊपर क्लोज होना चाहिए, सही है। तो ये फिर क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, प्राइसिंग लाइन। इसको हाँ पर्सिंग लाइन पैटर्न कहते हैं इसको। और इसका कोई मतलब इसका एंटी नहीं होता, यानी कि इसका अपोजिट नहीं होता। इसका जो अपोजिट होता है वो ये होता है, लेकिन इसका जो अपोजिट होता है, इसका जो अपोजिट होता है वो ये होता है, इसका अपोजिट ये जो होता है वो ये डार्क क्लाउड होता है, सही है। ठीक है। लेकिन इन दोनों के नाम ऐसे नहीं होते कि बुलिश पिर्सिंग लाइन और बेरिश, ऐसा नहीं होता, सही है। क्लियर ठीक है, है? कोई बात नहीं समझ में आ जी, रही हो, क्लियर हो गया। सही है ना? मेरे पास इसकी उर्दू में, बकायदा उर्दू के अंदर है, और वो अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ। नोट्स अगर हैं ये आपके सारी पास? चीजें क्लियर है तो मैं फिर, मेरे पास सब कुछ है, मैं आपको दूंगा, चलो, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है। ये मेरे पास जो है इंटरनेट पर है, और मैं आपको इसका पूरा जो है ना टेक्स्ट, पूरा जो नेल फिलर का पेड कोर्स है ना, मैं आपको वो देने वाला हूँ इंशाल्लाह, सही ठीक है, है। ठीक है। मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो है ये वही चीज है, लेकिन ये ऑनलाइन है, सही है। और वो जो चीज है वो कॉपी पेस्ट ही की हुई है, यही चीज है पूरी की पूरी, यही है वो, उसको बस एमएस ऑफिस के वर्ड की फाइल के अंदर रखा हुआ है, सही है। जी, अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर जो है ना, मैं आपको बताता चलूं कि कैसे बताऊं, वेट, डाउनलोड्स में गया, एडिशन कोर्स,
हाँ, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्ट्रक्चर्स या की लेवल्स या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ही है। देखो, मैं हमेशा जब भी मेरे दोस्त आते हैं ना, मैं जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं ना, मैं उनको एक ही इसी तरह समझाता हूँ जिस तरह मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, और इस तरह से उनको ना बहुत ज़्यादा जो है ना क्लियर हो जाता है और बहुत ईजी हो जाता है उनके लिए ना। और वो तरीका ये है कि मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी आ रही है। सही ना? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ये एक, ये कह लें कि ये एक रूम है, ये एक रूम की सीलिंग है और ये एक रूम का ग्राउंड है, ठीक है, मतलब उसकी बेस है यानी जमीन है, सही है। इस पे कोई शख्स खड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि ये इस शख्स के हाथ में कोई राउंड ऑब्जेक्ट है, सही है, इग्नोरिंग द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ दैट राउंड ऑब्जेक्ट, अगर ये जो बंदा है ये कोई राउंड ऑब्जेक्ट जो है वो अगर ये नीचे फेंकेगा, तो आप जो है क्या, मतलब आपका क्या प्रिडिक्शन है, क्या होगा मार्केट में, क्या हो सकता है? ऊपर जाएगी ओ, चीज मार्केट में कह रहा हूँ, ये मतलब इसकी रिएक्शन क्या होगी, इस एक्शन का इसका रिएक्शन क्या होगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाएगा, सही है। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इग्नोरिंग द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, अगर यही चीज जो है ये अगर यूं फेंके, ऊपर की साइड फेंके, तो क्या इसका रिएक्शन होगा? नीचे आएगी। नीचे आएगी। तो मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो एग्जांपल है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो मिसाल है वो कुछ इसी तरह से, बात समझे मेरी बात आपको क्लियर हुई? जी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो मिसाल है वो इसी तरह से ही है, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, रेजिस्टेंस ये होगा, सपोर्ट ये होगा, सही है, ये ही मिसाल है। अगर आप कोई चीज सपोर्ट पे फेंकेंगे तो वहां से मार्केट जरूर ऊपर उठेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, सही है। अभी मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने ये बात बोली है कि आप स्पीड और वेलोसिटी को इग्नोर कर दें, अभी किस स्पीड से गेंद आ रही है इसको छोड़ दें आप, सही है। अभी बस एक जनरल व्यू आपसे पूछ रहा हूँ, क्या होगा, मार्केट यहाँ से टकरा के ऊपर बाउंस हो जाएगी, और अगर सीलिंग पे, ये जो सीलिंग है, जो सीलिंग है इस पे अगर जो है वो मार्केट अगर जाती है, तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट इस पे टकराएगी और मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हो जाएगी। जी मेरा मतलब जो राउंड ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाके जो है वो नीचे, जो है वो नीचे जाके नीचे गिरेगा, बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज होती है ना, ये जो चीज है, यही मैकेनिज्म होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। लेकिन फर्क क्या होता है मार्केट्स के अंदर, फर्क क्या होता है कि जब मार्केट्स के अंदर जो है वो वेलोसिटी, या कहना चाहिए कि जब मार्केट के अंदर ऐसी पीछे स्पीड या ऐसी फोर्सेस होती हैं, या जो कहना चाहिए कि ऐसे स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो मार्केट के अंदर, जो है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, वो मार्केट के अंदर क्या करते हैं, वो मार्केट के अंदर ये करते हैं कि वो अपनी पोटेंशियल से इस मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं, और ऊपर जाके जो है ना इसको, मतलब ये इस जगह को ब्रेकआउट कर देते हैं, इस जगह को चीर देते हैं, सही है। जब वो इस जगह को ब्रेकआउट करते हैं तो अब ये होता है कि ये एक वो एरिया बन जाता है जहां पे वो मार्केट आके स्टेबल होती है, और ये मतलब 100 ऑफ ईयर से ऐसे ही होता आ रहा है, ठीक है। अब जब ये मार्केट इस इम्पोर्टेंट एरिया को ब्रेकआउट करती है तो फिर ये क्या करती है, फिर इसको सपोर्ट ले लेती है, सही है। फिर ये क्या होता है कि जो पुरानी रेजिस्टेंस थी वो न्यू सपोर्ट बन जाती है, बात समझ में आ रही है? कोई कोई इस चीज के अंदर नहीं, कोई या कोई कंफ्यूजन जो मैं नहीं समझा नहीं रहा हूं? ठीक है समझ लीजिए। जब व्हेन रेजिस्टेंस बिटामा स्पॉट एंड स्पॉट बिटामा रेजिस्टेंस, यही है। हाँ, यही चीज है, यही चीज समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये फ्लिप हो जाता है, फ्लिपिंग कहती है इसको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की फ्लिपिंग कहते हैं, कि रेजिस्टेंस को सपोर्ट बन जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये फ्लिप हो जाते हैं, ये जो लेवल्स हैं ये फ्लिप हो जाते हैं। और हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा एक ऐसा नहीं होता कि जिस पिप टू पिप ऐसा नहीं होता कि रेजिस्टेंस जहाँ आके बनी थी, जरूरी नहीं है कि सपोर्ट भी यहीं आके जो है यूं आके बने, यहीं पर आके बने, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मार्केट आए और मार्केट यहाँ से मुड़ जाए, मार्केट यहाँ बीच मीडियम पॉइंट से मुड़ जाए। तो ये कोई, मतलब बताने का मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात जहन में रखनी है, ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं होती, सही है, ये थोड़ी सी चेंज हो सकती है और टाइम बाय टाइम
एवरी डे आपको अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सेट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, प्रॉपरली सेट करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है जी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई मुश्किल नहीं होता, लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया। और मेरे भाई मैं तुम्हें बता दूं, अगर आपको प्रेजेंटेशन के अंदर अगर कोई चीज कामयाब करती है तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको नहीं आता, आपको अगर प्रॉपरली प्लॉट करना नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। ये बहुत बहुत इंपेरेटिव चीज है, ये मतलब इंपेरेटिव कह लो या सुपर इंपॉर्टेंट कह लो, एक ही बात है, सही है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इसको नहीं समझा या इसको प्लॉटिंग नहीं करी, इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप बोर हो जाओ उससे, इतनी प्रैक्टिस, यानी आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएं और आप जो है ना आप देखते ही समझ जाओ कि मार्केट के अंदर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किधर किधर है। और आप ये तभी करोगे जब आपके अंदर जो है ना वो प्रेजेंटेशन सीखने का जुनून होगा, आप प्रेजेंटेशन को पैशनेट होके सीखोगे, तो ये चीजें आपके अंदर अल्लाह ताला जो है ना वो शामिल कर देगा और आपको जो है ना नसीब होती जाएंगी ये तालीमात, सही है? चलो तो इसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तालीम इसको आप ना मश्क करें, इसकी आप इसकी प्रैक्टिस करें। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, सही है? सही है, आपको यहाँ तक कोई सवाल है ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ नहीं रहा? ठीक है, मैं अभी तक सवाल नहीं है। हाँ सही है। अच्छा एक और बात मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था, वेट कीजिएगा। इसमें एक और सवाल, एक और बात आपको मैं बताना चाह रहा था कि क्या आपको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कौन लोग काम करते हैं? ये बात, इस बात का पता है आपको? प्राइस सेशन ट्रेडर्स प्राइजेशन ट्रेडर्स कह सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी जो फोर्सेस काम कर रही होती हैं वो तो सप्लाई एंड डिमांड मैंने आपको बताया था, ठीक है? जी इसके अलावा जो है ना, इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जितने भी आपका इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है ना, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं ना, उनकी नजर इसके ऊपर होती है, समझे? उनकी नजर इस जो है ना इस जगह पे, इनके इन एरियाज पे होती है कि मार्केट इधर आए और जो है ना यहाँ से जो है मार्केट को ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा इतना होता है। मैंने आपको ये बात जी अच्छी तरीके से याद कल नहीं पाई बताई थी। थी। जी हाँ, तो हमेशा याद रखो, अगर कोई आपसे ये जनरल सवाल पूछे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट को बाउंस कौन करता है या इस पे वर्किंग कौन करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या इंस्टीट्यूशन और इंटरबैंक्स। ये जितने भी इंटरबैंक्स हैं या जो बैंक्स हैं, ये इनके ऊपर, इनके पास बहुत पैसा होता है जो आपकी और मेरी सोच से ज्यादा हो सकता है, तसव्वुर से ज्यादा है हमारी, सही है? तो इनके ऊपर जो है ना इंटरबैंक्स वगैरह जो है ना इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स काम करते हैं। और जब जब मार्केट, इनकी ना नजर होती है बेसिकली, आपसे ज्यादा हमसे ज्यादा ना इनकी नजर होती है, और इनको पता होता है कि अब मार्केट अगर यहाँ अप्रोच कर रही है तो अब मेरा क्या, इनका अब रद्द अमल क्या होगा, इनको पता होता है कि अब हमें क्या करना है। तो ये एक हफ्ता पहले सारी सेटिंग करके रखते हैं कि अगर यहाँ पे लोगों के हमारे पास ऑर्डर बहुत सारे पड़े हैं तो हम यहाँ से स्टॉप लॉस करवा के यहाँ फॉल्स ब्रेक दिखाएंगे और फिर मार्केट को दोबारा ऊपर लेके जाएंगे, इस तरह से। तो ये तरीके होते हैं इनको हमें ट्रैप करने के, ये तरीके ढूंढते हैं ये, सही है? तो बेसिकली ये चीजें जो है ना, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि इनके पीछे कौन काम करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती कैसे है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने वाले भी यही लोग होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने वाले भी यही लोग होते हैं, समझे? अब बात समझ आई? जी तो ये चीजें काम कर रही होती है। ये बस ये कहने का मकसद है, जहां जहां सपोर्ट होगी इसका मतलब है यहाँ बहुत सारा सेलर बैठा हुआ है, जहां जहां रेजिस्टेंस होगी बस इसका है मतलब है बहुत सारा सेलर यहाँ बैठा हुआ है, सही है ना? और जहां जहां सपोर्ट होगी इसका मतलब है बहुत सारा, मेरा मतलब है जहां जहां सपोर्ट होगी यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है बात समझ आई? जी। तो ये चीज जो है ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि बायर्स और सेलर्स की जंग है ये, बुल्स और बेयर्स की जंग है ये, ठीक है? और आपको एज अ प्रेसेशन ट्रेडर आपको ये इंटरप्रेट करना है कि मार्केट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कहाँ जाएगी और बी टू सी कहाँ जाएगी, सही है? जी ठीक है, अगर आप ये कर सकते हो, अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत हो जाती है कि आप इंटरप्रेट करके आप ये बता सकते हो कि मार्केट कहाँ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना प्रॉपरली आप है ना प्रेजेंटेशन को कर सकते हो। लेकिन इतना इतना मैं आपको एक और टिप दे दूं, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को उल्टा लगाया तो ये आपको कॉस्टली भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है? अगर सपोर्ट को सपोर्ट की जगह पे नहीं लगाया और उसको गलत सपोर्ट प्लॉट करी, तो हो सकता है कि आपका एसएल भी हिट हो जाए,
सही है, तो इट नीड्स योर स्क्रीन टाइमिंग, इट नीड्स योर हार्ड वर्किंग, इट नीड्स योर स्किल्स, इट नीड्स योर आईज टू बी ट्रेंड, सही है। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपकी, ये हमें नहीं बताई गई थी, हमने सीखी है, हमें किसी ने नहीं बताई, हमें नेल फिलर के कोर्सेज से पता चली, हमने बहुत 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 ठोकरे खाई तब जाके हमें पता चला, सही है। ये वो बातें जो हमारे, हमारा एक्सट्रैक्ट किया हुआ एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ मैं, सही है। मैं इसका तो फॉर्मेट करते हैं ना, आपको सेंड भी कर दूंगा तुमने, ठीक है, डेली बेसिस पर या 2 दिन बाद आप डेली, देख लें। मैंने सीक्रेट ग्रुप मेरी जान इसलिए तो बनाया है कि सीक्रेट ग्रुप के ऊपर जो है आप ये चीजें प्लॉट करें और पोस्ट करें और मुझे बताएं ये सारे लेवल्स प्लॉट करने के तरीके, सही है। तो ये करके मुझे बताएं और फिर मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि आपसे पहले जितने भी स्टूडेंट गुजरे हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया था, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं जब जब मैं अवेलेबल हूँगा मैं जरूर चेक करूंगा उनको, सही है। अच्छा अब मैं आपको जो है ना इसका तरीका बताने वाला हूँ। अब ये देखें आप, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो है, ये मैं आपको कोर्स दूंगा आज इंशाल्लाह, आपको ईमेल कर दूंगा। इसके अंदर, इस हेडिंग के अंदर आपको ये मिलेगा मार्केट स्पेक्यूलेशन, इसके अंदर ये चीज मिलेगी आपको, ये सेक्शन नंबर 5 है चैप्टर 1 का, ये मैं आपको दिखा दूंगा, ये पार्ट 1 कोर्स आउटलाइन के अंदर ये सेक्शन नंबर 5 है। इसको आप खोलेंगे, इसको आपको मुकम्मल पढ़ना है, मुकम्मल पढ़ने का मतलब है मुकम्मल पढ़ना, यानी यहाँ से पढ़ना, ठीक है। पहले आपको बहुत सी चीजें इसमें एक्स्ट्रा होंगी, आप इसको पढ़िएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉलेज की बेसिस पर है और कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक्स्ट्रा है। ये सारी चीजें जो है ना ये आपके ही काम आने आनी है, और ये अगर आपको जितना आपको पता होगा ना उतना ही आप इस बात को समझ पाओगे ये है क्या, ठीक है। तो जरूरी 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 है कि ये आप जो है ना इसको प्लीज इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगर ये इग्नोर करते हैं आप तो आप यकीन करें अपने पैसों का वेस्ट है आपका, आपका जो आप फीस दे रहे हो और आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसका वेस्ट है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बगैर ये चीज जो है ना, ये जो मेथोडोलॉजी आप सीखने जा रहे हो ना, ये एक तरह से जो है ना यूजलेस है, समझ में आ रही है, ये यूजलेस हो जाएगी। ये यूजलेस अगर होगी तो फिर ये आपको प्रॉफिट नहीं देगी, फिर आपका दिल उतर जाएगा इससे, तो ठीक है। नोवा ये स्टेट, आप मुझे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट दें दे जहाँ से मैं पढ़ूंगा, ये इसी वेबसाइट से जाते लूंगा ये। नहीं नहीं मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंट सारे के सारे जो है ना डॉक्यूमेंट एक कॉपी की हुई है, एमएस वर्ड होना जरूरी है आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप, आपके आपके लैपटॉप पे या आपके मोबाइल पे भी, अगर आपके मोबाइल में भी है तो आप मोबाइल पे भी इसको रख के पढ़ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये आपको इंटरनेट पे नहीं, मैं आपको ये एमएस वर्ड की फॉर्म में दूंगा, सही है, एमएस वर्ड के फॉर्म में दूंगा। दूसरी बात ये कि ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं, मेरा कहने का क्या मकसद है। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो फिर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी, सही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये तो वैसे मैंने बता दिया आपको, इसके अंदर छोटी छोटी लाइंस लिखी हुई है, जरूर आप इसको पढ़िएगा। सपोर्ट लेवल इज द लेवल ऑफ प्राइस व्हिच बायर्स एक्सपेक्टेड टू एंटर द मार्केट इन सफिशिएंट नंबर टू टेक कंट्रोल फ्रॉम द सेलर। थोड़ी देर के लिए मोबाइल को साइलेंट कर दो, थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया बोलते हैं। जी जी जी। रेजिस्टेंस लेवल इज द लेवल ऑफ प्राइस व्हिच सेलर्स आर एक्सपेक्टेड टू एंटर द मार्केट इन सफिशिएंट नंबर टू टेक कंट्रोल फ्रॉम द बायर्स। ये बायर्स और सेलर्स की जंग है बेसिकली ना। दिस हॉरिजॉन्टल लेवल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड क्लूज टू वेयर द मार्केट मे रीच मे रिएक्ट इन द फ्यूचर। ये लेवल्स आपको ये बताते हैं कि अब मार्केट कहाँ जाने वाली है, सही है। प्राइस कैन इधर ब्रेक थ्रू और होल्ड अ हॉरिजॉन्टल चार्ट लेवल। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, लाइक दिस। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, वर्टिकल इसको इसको बोलते हैं। वर्टिकल लेवल, वर्टिकल लेवल हमारे पास कभी भी चार्ट्स के अंदर नहीं आते, हो ही नहीं सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल्स होते हैं, एक दो किस्म के लेवल्स होते हैं, याद रखना, ये चीज आगे जाके आपको पता चलेगी। उसको कहा जाता है स्टैटिक लेवल, स्टैटिक, और दूसरे को कहा जाता है डायनामिक, सही। ये दो किस्म के लेवल होते हैं, स्टैटिक अपनी जगह पे रहते हैं और डायनेमिक थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं तो आगे पीछे होते हैं थोड़ा, सही है। तो ये दो किस्म के लेवल्स होते हैं, और स्टैटिक के अंदर भी दो दो वैरायटीज होती हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल लेवल, जो कि एक ये जिस तरह आप देखते हो आमतौर पर, एक वो होता है, और एक होता है स्टैटिक डायगनल लेवल, जिसको हम ट्रेंड लाइन भी कहते हैं, सही है।
ट्रेंड लाइन भी एक तरीके से जो है ना वो एक स्टैटिक लेवल ही होता है, लेकिन ये डायगनल एंगल के अंदर होता है, ये ऐसे एंगल जा रहा होता है, ये ऐसे एंगल जा रहा होता है, समझे मेरी बात? समझे? तो जी ये चीज है, इन दोनों चीजों को आप आस्ते आस्ते पढ़ोगे, और जब ये आप पढ़ोगे तो फिर आपको आपका दिमाग खुलेगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है बताना क्या चाह रहा है। सही है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूल्स बताए गए हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूल क्या है? आई रेयरली यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू एंटर अ ट्रेड अनलेस आई हैव प्राइसेशन कंफर्मेशन एट और नियर द लेवल। इफ देयर इज अ स्ट्रांग ट्रेंड एंड आई एम सेलिंग अ रिट्रेसमेंट, आई मे यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर अ लो रिस्क एंट्री। ये बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर जो है ना वो ऐसे ट्रेड के लिए यूज, एंटरिंग के लिए यूज नहीं करता जब तक मुझे उस पे प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन नहीं मिल जाता। सही है? नियर द लेवल यानी उसके करीब या फिर उसी लेवल के ऊपर ऊपर। सही है? ये बताना चाह रहा है। और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर जो है ना अगर रिट्रेसमेंट हो रही होती है तो इस रिट्रेसमेंट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चेक करके लो रिस्क की एंट्री ढूंढता है, ये इसकी आदत है और यही हमें बता रहे हैं कोर्स के अंदर। सही है? Once broken, swing points acts as a containment, support or resistance in the direction of the trend. That means basically that there was old supply, there will be new demand, and where there was old demand, there will be new supply. This is an ever-changing trade of markets. Basically, drive all trends. समझ में आ गई? या ये समझाने की जरूरत है? नहीं तो मतलब इतना चाह रहे थे इसमें, जब तक मार्केट की ड्राइव लाइट पे स्पिन चल रहा है उसका, उस लिहाज से बात कर रहा है, सही है। नहीं, ये बताना चाह रहा है कि एक मार्केट में जो है बुलिश मिसाल के तौर पर ट्रेंड चल रहा है। सही? मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने बुलिश बेरिश नहीं कहा, वो एक 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 नॉर्मल व्यू में बात कर रहा है। सही है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे एक स्टेंस है कि ये जो है ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ मिसाल के तौर पर, ये आप बेरिश में भी आप सोच सकते हो, मैं आपको बुलिश में बता रहा हूँ। अब ये जब यहाँ से ये यहाँ पे अगर यहाँ पे वो हुआ है, अगर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, तो नील फलर ये बता रहे हैं कि अब ये सप्लाई का एरिया नहीं रहा, अब ये सप्लाई का एरिया नहीं रहा, अब ये डिमांड का एरिया बन जाएगा, अब ये न्यू डिमांड का एरिया बन जाएगा। डिमांड से बिल्कुल मुराद क्या? बिल्कुल यहाँ पे अब बायर्स आएंगे। ठीक है? ठीक। एक चीज मैं आपको कल बताना भूल गया था, मुझे आपसे एक सवाल करना था कि सप्लाई एंड डिमांड के हवाले से एक सवाल था कि अगर जो है हमारे, हम ये कहें कि आपके, लेट सपोज आपके घर के पास कोई मार्केट है। ठीक सही है है? उस मार्केट में टोमाटो टोमाटो की 3 ट्रक रोजाना आते हैं। आप मतलब 7 दिन देखते हो, 7 और 7 दिन जो है वो 3 ट्रक रोजाना आते हैं। सही है? तो उसकी कीमत जो है वो बेसिकली आप कह लो कि 3 ट्रक रोजाना आते हैं, सप्लाई करते हैं पूरी मार्केट के अंदर, टोमेटोज की बात कर रहा हूँ, और आप कह लो कि उसकी कीमत होगी कोई 1 किलो, कम से कम 1 किलो टोमेटोज पड़ेंगे कोई तकरीबन 80 80 रुपीज कह लो। ठीक ठीक है? है। अब आप मुझे बताओ कि अब आप मुझे ये बताओ कि किसी दिन ये जो टोमेटोज की जो ट्रक लॉट्स आते हैं ये 3 दिन मार्केट के अंदर आते हैं, अगर किसी दिन मार्केट में ये एक आया किसी वजह से, बारिश हो गई, हालात खराब हो गए कराची के, या जहाँ आप रहते हो, या जहाँ ट्रांसपोर्ट बंद है मिसाल के तौर पे, या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर ये एक 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 लॉट आता है तो मार्केट के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो डिमांड ज़्यादा हो रही, प्राइस ज़्यादा हो रही उसकी, क्योंकि अच्छा, वो प्राइस ज्यादा क्यों होगी? गुड, सप्लाई कम हो रही ना। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। सप्लाई जब कम होती है, जब सप्लाई कम हो जाती है ना, तो फिर डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। सही है? और जब डिमांड बढ़ जाती है तो फिर सप्लाई, डिमांड जब कम होती है तो फिर वो सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है? तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये दो वो है, ये दो फोर्सेस हैं जो मार्केट के अंदर मार्केट को ड्राइव करती हैं, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है? और ये यही बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई लेवल टूटता है तो इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पर डिमांड टूट गई, सप्लाई टूट गई, तो अब जो है क्या होगा, यहाँ पे डिमांड, न्यू डिमांड बनेगी और बायर्स इधर एंटर होने की सोचेंगे। ये क्या इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर कोई सवाल है? कोई ऐसा सवाल जो नहीं समझ में आ रहा हो, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आ रही हो? देखिए, जब ब्रेकआउट हुआ है तो इसका मतलब हाँ कि हाँ जो उस टाइम जितने भी सप्लायर्स बैठे बैठे उनकी जो डिमांड है वो खत्म हो रही है, अब नया सप्लायर नहीं, आएगा, ऐसे ही है। नया सप्लायर नहीं आएगा, सॉरी, नया डिमांड है। नया सब, जी जी बोलिए। हाँ डिमांड आएगा बेसिकली, यही मतलब है कि डिमांड आएगी, क्योंकि
उस सप्लाई को तो टेक ओवर कर लिया गया ना, तो सप्लाई को तो टेक ओवर कर लिया गया, अब तो नेक्स्ट बायर्स ही आएंगे उसके ऊपर। इसलिए बायर्स आएंगे क्योंकि अब मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी, उसकी वजह यह है कि अब इसकी परमानेंट प्राइस यही है। तो लोग क्या बोलेंगे कि लोगों के अंदर साइकोलॉजी क्या बनेगी कि अब इसकी प्राइस यही है तो इसको इस प्राइस पे बाय करना अकलमंदी रहेगी। बात समझ रहे हो मेरी मैं क्या बोल रहा हूँ? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी रहते हैं ना मार्केट के अंदर, जी, ये चीज है। तो अब आपको ये जो है ये समझ में आया कि ये क्या है, समझ आ गया। सही है ना? उसके बाद पॉइंट बताता है ये, उसके बाद ये पॉइंट बताता है, क्या बताता है? स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन लॉन्गर टाइम प्राइस हॉरिजन हॉरिजन इज मोर रेलेवेंट टू ट्रेड फ्रॉम सो व्हेन डूइंग स्टडी लुक एट टाइम फ्रेम्स अबव 240 मिनट चार्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स विथ डेली ट्रेंड एंड वीकली बीइंग डेली एंड सॉरी विथ डेली एंड वीकली बीइंग आइडियल फॉर एंड ऑफ डे ट्रेडर्स। ठीक है, बोले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है ना वो 240 से ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम है ना उस पर अगर आप लगाओ तो वो बहुत ही जो है ना बहुत ही रेलेवेंट रहते हैं। 240 का मतलब क्या हो गया, मतलब 4 आवर का चार्ट, 4 आवर का चार्ट इतना जो है ना रेलेवेंट नहीं रहता, या इसके नीचे जितने भी हैं वो रेलेवेंट नहीं रहते। ये जो डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम है ना इसके जितने भी लॉन्ग टर्म लेवल्स आप लगाओगे ना ये रेलेवेंट रहेंगे मार्केट के साथ, सही है, मार्केट के ट्रेंड के साथ। समझ गए आप? जी, ये चीज है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रोटेट ओवर एंड ओवर मीनिंग ओल्ड सपोर्ट बिकम्स न्यू रेजिस्टेंस एंड ओल्ड रेजिस्टेंस बिकम न्यू सपोर्ट। द स्मॉलर द टाइम फ्रेम द लेस एक्यूरेट एंड मोर ऑफन इट चेंजेस। छोटे टाइम फ्रेम तो हम करते ही नहीं, हम समझते हैं कि छोटे, हम ये कहते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम जो होती है ना वो बेसिकली ये कह लो कि छोटे टाइम फ्रेम आपका ना नॉइज होता है। नॉइज समझते हो? नॉइज ये कि आपको नहीं पता होता कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, साइड में मार्केट चल रही होती है, या ये कह लो कि मार्केट के अंदर बहुत ही जो है ना नॉइज होता है, बहुत ही चॉपी मार्केट चल रही होती है। तो इसी वजह से हम डेली वीकली और हो सकता है कि 4 आवर डी को ट्रेड करें, सही है, जी या 1 आवर डी, इससे ज्यादा नीचे हम जाते नहीं है आमतौर पर, सही है। जाओगे जितना ज्यादा M30 M उस पर जाओगे तो फिर क्या होगा कि ये चीज आपको जो है ना कंफ्यूज करेगी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से काम भी नहीं करते उसको। ठीक है, और आगे बोलता है वी डोंट ऑलवेज ट्रेड फ्रॉम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वी मे यूज द लेवल टू प्लेस अ स्टॉप लॉस, दैट इज इफ वी एंटर अ ट्रेंड ट्रेड टू द लॉन्ग साइड बॉट एट अ मूविंग एवरेज वी माइट प्लेस आवर स्टॉप अंडर सपोर्ट, द अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, अ शॉर्ट ट्रेड माइट मीन वी प्लेस आवर स्टॉप लॉस अबव रेजिस्टेंस। ठीक है, वो ये भी कह रहा है इसके अंदर कि वी डोंट ऑलवेज ट्रेड फ्रॉम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वी मे यूज द लेवल टू प्लेस अ स्टॉप लॉस, यानी ये कह रहा है कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लगाते हैं इस पर जरूरी नहीं है कि हम ट्रेड करें, इसके ऊपर हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स के अंदर जो है ना ट्रेंड्स के अंदर जो है ना इसके अंदर हम इसको एज अ स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं, इस पर हम ऐसा लगा सकते हैं अपना। ठीक है, और यही चीज जो है वो बुलिश साइड के लिए, बेरिश या बुलिश साइड के लिए भी जो है ना ट्रू होगी, सही है। अ जी शॉर्ट ट्रेड माइट मीन वी प्लेस अवर स्टॉप अबव रेजिस्टेंस, ये बताना चाह रहे हैं, मतलब ये एग्जांपल दे रहे हैं, सही है। आगे चलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क बेस्ट इन ट्रेंडिंग मार्केट्स एंड कैन बी सीन वर्किंग ऑन बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म टाइम होरिजन। ठीक है, जो ट्रेंडी मार्केट होती है ना हमेशा याद रखना कि उसके अंदर है ना ये बहुत अच्छा काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाकई में बहुत अच्छा काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। देर आर ऑफन फॉल्स ब्रेक्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विच वी कैन यूज टू ट्रेड मोर ऑन दिस लेटर, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है फॉल्स ब्रेक के हवाले से, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस पॉइंट को फिलहाल आप छोड़ दो, ये बहुत मतलब आगे की एडवांस चीज है। ठीक है, प्राइस प्राइस एक्शन यूजुअली गेट प्राइस एक्शन यूजुअली गेट अस इनटू मोस्ट ट्रेड्स मोस्ट ट्रेड सो एक मिनट, प्राइस एक्शन यूजुअली गेट्स इन अस इनटू मोस्ट ट्रेड्स सो डोंट बी टू कंसर्न अबाउट बिकमिंग एन एक्सपर्ट एट आइडेंटिफाइंग स्विंग पॉइंट्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ द लेवल्स एंड पैटर्न्स दैट फॉर्म नियर देम, लर्न टू प्लॉट देम ऑन द चार्ट ऑलवेज। ठीक है, ये बताना चाह रहा है कि ना प्राइस एक्शन आपको हमेशा ना
हमेशा आपको ट्रेड्स देती है, सही है। सो बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होना है आपको बिकमिंग एन एक्सपर्ट एक्सपर्ट एट आइडेंटिफाइंग स्विंग पॉइंट्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ द लेवल्स एंड पैटर्न्स दैट फॉर्म नियर देम, लर्न टू प्लॉट देम ऑन द चार्ट ऑलवेज। ठीक है, बात वही आ जाती है घूम फिर के कि ये लर्निंग की बात कर रहे हैं कि प्लॉटिंग करना सीखनी है हमें चार्ट के ऊपर, सही है। और ये जरूरी नहीं होता कि इसका आप एक्सपर्ट बनो, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप प्रॉपरली जो है ना इसको एक्सपर्टीज आप इसकी हासिल करो, क्योंकि जब बिगनर बंदा होता है ना तो उसको बहुत ज्यादा जो है ना ये चीजें तंग करती हैं, क्योंकि हमारे साथ हो चुका है हमें पता है, सही है। तो जब तक आप घोड़े से गिरोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि घोड़ा चलाना कैसे है, घोड़ा भगाना कैसे है। तो कुछ आपको ठोकरें लगेंगी, लेकिन इस पर आप आस्था से टाइम के साथ टाइम बिंग आपकी मेंटेलिटी के हिसाब से आप उस चीज को समझ जाओगे, ठीक है। इट इज नॉट हार्ड टू रियलाइज बट सिंपली ग्लैंसिंग एट अ चार्ट दैट हॉरिजॉन्टल लेवल्स इन द मार्केट गाइड एवरीथिंग, सही है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर ये इसने एक बात यहाँ ये नहीं लिखी कि थोड़ा सा टाइम लगता है। इट इज नॉट हार्ड टू रियलाइज बाय सिंपली ग्लैंसिंग एट, अब इसका लेवल ऐसा है ना कि ये उस हिसाब से ये टेक्स्ट लिख रहा है, सही है। अब आपका लेवल वो नहीं होगा फिलहाल जो ये लिखना जो ये बताना चाह रहा है, शायद आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है कि चार्ट को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल लेवल किधर। ये जब होगा जब आप प्रॉपरली इस मार्केट के अंदर जो है ना ट्रेड प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, मार्केट्स और चार्ट्स को देखा करोगे, आपकी आईज ट्रेंड होगी, तब जाके ये चीजें आपको पता चलेगी, सही है। हॉरिजॉन्टल लेवल आपको बगैर देखे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल आपको लगाना है, सही है। तो ये लेवल जब होगा जब आप अपनी पूरा पोटेंशियल 100% पोटेंशियल दोगे। एस आई सेड बिफोर के ये चीजें जो है ये सिर्फ टीचर के सिखाने से नहीं आती, आपकी एफर्ट बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी एफर्ट नहीं दोगे तब तक ये चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ट्रेडिंग का, कि आपको प्लॉटिंग करने में आप एक्सपर्ट हो जाओ। रिमेंबर द बुल बेयर, सही ना, बुल स्ट्राइक अप बेयर्स क्लोज डाउन। बुल जो होता है वो हमेशा अपने सिंगों से ऊपर, बुल कभी देखा है आपने, बुल जो होता है वो जब भी अटैक करता है वो इसीलिए बुल तो नाम रखा है क्योंकि ये बाइट्स की निशानी है, क्योंकि बुल जो होता है वो हमेशा उठा के अपने शिकार को ऊपर फेंकता है, नीचे नहीं फेंकता, इसीलिए बाइट्स को बुल्स कहा जाता है। और बेयर्स हमेशा अपने जो पंजे होते हैं ना उससे नीचे धक्का मार के अपने शिकार को नीचे जमीन की तरफ गिराता है, इसी वजह से ये बोल रहा है रिमेंबर द बुल एंड बेयर, बुल स्ट्राइक्स अप बेयर्स क्लोज डाउन, द बुल्स टीम आर अटैकिंग अप the chart while the bears are defending and push them down the chart. The area where bears are defending are resistance level try line. मतलब ये देख रहे हो, ये चार्ट बता रहा है। मैं अभी पूरी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखो ये इस तरह का, अभी आपको ये ना ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप उसे कर सकते हैं। ये इसमें ये बताना चाह रहा है कि बुल्स और बेयर्स की ये फाइट है, सही है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे कौन डोमिनेंट है, यहाँ तक आप बता सकते हो, यहाँ से नीचे तक, यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बुल्स, बुल्स वो है बिल्कुल, क्योंकि बुल्स मार्केट में बार बार आ रहे हैं, बुल्स मार्केट में बार बार हायर हाइज बना रहे हैं, इस वजह से ये जो है ना इस मार्केट में बहुत एक्टिव है। लेकिन फिर सडनली क्या हुआ, यहाँ पर एक ग्लोबल लो बन गया, जिसकी वजह से मार्केट जो है अब यहाँ पे तो मार्केट बुल्स ने जोर लगाया लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकी, फिर बेयर्स आ गए यहाँ पे, क्योंकि पहला जो क्लू दिया था वो मार्केट ने यहाँ दिया था और ये सेकंड क्लू बेयर्स की तरफ से मिला है और मार्केट जो है रिवर्स हो गई, सही है, बात क्लियर हुई। अब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं, सही है, सॉरी यार ये पीछे चला गया। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं, द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रेडिंग मेथड ऑफ ऑल, बोल रहा है कि ये सिंपलेस्ट ट्रेडिंग मेथड है दुनिया का या ऑल इस सारे सबों का, क्योंकि इसके अंदर जो है ना हम क्या करते हैं, यूजिंग प्राइस एक्शन एट अ हॉरिजॉन्टल स्विंग पॉइंट्स, इफ वी कंबाइन प्राइस एक्शन विद हॉरिजॉन्टल स्विंग पॉइंट्स वी ऑलमोस्ट हैव द होली ग्रेल ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग मेथड्स। क्या आपको पता है कि अगर आप प्राइस एक्शन को इन हॉरिजॉन्टल लेवल्स के साथ मिला दें, इन हॉरिजॉन्टल लेवल्स के साथ मिला दें तो ये एक होली ग्रेल बन जाता है ट्रेंड को फॉलो करने का, पता है इस बात का आपको पता है?
नहीं आप मुझे नहीं बता, मतलब मुझे इतना बता दे ये जो 10th लाइन्स हैं ये मिलाएं आप इनके साथ स्पॉट रेजिस्टेंस साथ, तो अच्छी मतलब आप एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हैं इस चीज़ का। पॉइंट ऑफ आपकी बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन बेसिकली देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है। उसका पर्पस यही होता है कि मार्केट उधर तक आए, वहां पे कोई प्राइस एक्शन का सिग्नल दे और वहीं से मार्केट जो है ना वो आपकी आपके जो है ना आपके प्रिडिक्टेड डायरेक्शन में जाए, समझे। तो इसी वजह से ये जरूरी होता है कि आप इन पॉइंट्स को लगा के प्राइस एक्शन के सिग्नल का वेट करें इस जोन्स पे जब प्राइस आए। आप मेरी बात समझे। तो जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपके लिए जो है ना ये एक मेथड बन जाएगा जिसको प्राइस एक्शन का मेथड कहते हैं, और ये होली ग्रेल मेथड कहलाता है। होली ग्रेल, कोई दुनिया में कोई चीज होली ग्रेल नहीं होती, लेकिन इसको होली ग्रेल कहा जाता है। क्या आपको पता है होली ग्रेल किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होली ग्रेल पता है? नहीं इसका नहीं जो बता। मैं आपको बताता हूँ होली ग्रेल क्या होता है। इवन के जितने आपसे पहले स्टूडेंट गुजरे हैं उन सब ने होली ग्रेल के बारे में मुझसे पूछा और मुझे समझाया। देखो होली ग्रेल क्या चीज होती है। होली ग्रेल का थोड़ा सा ना इस्लामिक इस्लामिक थोड़ा सा ना रिलीजियस और थोड़ा सा कहना चाहिए कि उसमें चली जाती है बात। होली ग्रेल से मुराद ये है कि ये जो आपके ईसाई जो होते हैं ना क्रिश्चियंस क्रिश्चियंस जो होते हैं इनके दौर में जब ये, क्योंकि हम तो ईसा अलैहि सलाम को इस तरह मानते नहीं है जिस तरह ये लोग मानते हैं। ये लोग तो बहुत शिरकिया, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये कहते हैं अल्लाह ताला के पार्टनर हैं या अल्लाह ताला का बेटा है, नौजु बिल्ला, इस तरह से बातें करते हैं ये लोग। तो इनका इनका ये मानना है, नाउजु बिल्ला, हम लोगों का ऐसा मानना नहीं है, इनका ये मानना है, इनका ये अकीदा है कि उस जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा वो होता था, एक ऐसा मुकद्दस, एक ऐसा प्याला होता था, एक ऐसा बॉल होता था जिसके अंदर जो है ना, अगर आप अगर वो उस के अंदर पानी रख के पानी डाल के उसको अगर किसी बीमार को पिला दें, अगर किसी को पिला दें तो उसकी जिंदगी अमर हो जाती थी। मतलब अमर से क्या मुराद है, वो फिर मर नहीं सकता था, मतलब वो अमर हो, उसकी जिंदगी अमर यानी कि वो जो इमोर्टल हो जाए, समझ रहे हो आप मेरी बात, इमोर्टल हो जाए, उसको कभी मौत नहीं आए। नाउजु बिल्ला, मौत ना आना ये अल्लाह ताला की सिफत है, ये किसी इंसान की सिफत नहीं हो सकती, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अब मैं आपको ये बताने लगाऊं कि ट्रेडिंग में होली ग्रेल का क्या मतलब। ट्रेडिंग में होली ग्रेल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा मेथड, कहना चाहिए कोई ऐसा ऐसा मेथड मेथडोलॉजी जो आपको हमेशा हमेशा प्रॉफिट दे और आपको कभी नुकसान ना दे। आप समझे मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब आपको अमर, मतलब हमेशा के लिए आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, आपको लॉस ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन 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 ऐसी कोई चीज भी जो होती है ना वो मार्केट के अंदर कहना चाहिए कि ऐसी कोई चीज भी ना एग्जिस्ट नहीं करती, सही है। होली ग्रेल या ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा है कि मतलब A1 मेथड है, लेकिन होली ग्रेल जैसी चीज दुनिया में नहीं है, ठीक है, जो आपको हमेशा प्रॉफिट 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 दे और कभी आपको लॉस ना दे, सही है। ठीक है तो ये जो चीजें होती है इसको आपको यकीन इस तरीके से करना है कि होली ग्रेल कोई चीज, लेकिन ये समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए ऐसा लिख रहा है कि होली ग्रेल ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग मेथड्स, सही है। देयर इज नो थिंग लाइक होली ग्रेल, देयर इज नो टर्म लाइक होली ग्रेल इन दिस एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, सही है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि स्विंग ये बताना चाह रहे हैं कि जस्ट लाइक अ होली ग्रेल है, लेकिन कंप्लीट होली ग्रेल कोई चीज नहीं होती। 80-20 का रेशियो तो रहता ही रहता है, लॉसेस भी होते हैं आपको, ठीक है। जी अब ये बताता है कि ड्राइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, द चार्ट इमेज बिलो शोज हाउ आई वुड ड्रॉ इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस ऑन दिस डेली जीबीबी यूएसडी। जीबीबी यूएसडी डेली के चार्ट पे आप ये बताने लगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस कैसे लगानी है, सही है। अच्छा, ये नेल फ्लेयर का जो मेथड है ये बेस्ट मेथड है इस चीज को प्लॉटिंग करने का, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉटिंग करने का, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी जो है ना प्रॉपर वो बताने लगा हूँ, प्रॉपर तरीका बताने लगा हूँ, ठीक है। और इसके हवाले से मैं बताने लगा हूँ कि स्विंग पॉइंट्स जो होते हैं ना मार्केट के अंदर ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्विंग पॉइंट्स ही आपको बताते हैं कि मार्केट कहाँ जा रही है या कहाँ जाने वाली है, सही है। स्विंग पॉइंट्स के ऊपर ही हमारी जो है ना बेसिकली हमारा जो होता है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहीं पे लगती है,
जहाँ पे स्विंग पॉइंट्स बेसिकली होते हैं। स्विंग पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं। अच्छा, स्विंग पॉइंट्स खुद क्या होते हैं? स्विंग पॉइंट्स वो पॉइंटेड पार्ट होते हैं या वो पॉइंटेड एरियाज होते हैं जहाँ से मार्केट ने एक ट्रेंड लिया हो। समझ में आ रही है मेरी बात? एक ट्रेंड लिया हो, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक ट्रेंड लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक ट्रेंड लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने ट्रेंड लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने ट्रेंड लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने ट्रेंड लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने ट्रेंड लिया है। और फिर इस तरह से यहाँ पे देखो, ये छोटा टर्न है, ये बड़ा टर्न है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये चीज होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि स्विंग एरियाज क्या होते हैं? जी सही है, ये पूरा इन्होंने मैपिंग करके बताया कि स्विंग एरियाज क्या होते हैं। ठीक है, और वही स्विंग है, ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होते हैं फिर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होते हैं, मतलब इसको मैं करके दिखा रहा हूँ अभी आपको। सही है। अच्छा, आगे बोलता है, अनदर एग्जांपल बताता है कि स्विंग पॉइंट्स आर बेसिकली द पॉइंटी पार्ट्स ऑन द चार्ट, देयर आर नो रूल्स, यू मस्ट ड्रॉ देम ऑन एज यू सी देम। ये जो पॉइंटी पार्ट्स, ये जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं ना, ये बेसिकली जो है ना, यही आपको चार्ट्स में अगर आप देख लो ना, तो इसका कोई रूल बेसिकली नहीं होता। ये बेसिकली जो है ना, ये आप खुद देख के आप ड्रॉ कर सकते हो, जिस तरह से आप इसको, आपको नजर आते रहे, आप इसको जिस तरह से आपको नजर आते रहे, आप पीछे से जो है ना वो आप मतलब इसको ड्रॉ कर सकते हो जहां जहां आपको नजर आए। सही है, जी बात क्लियर हुई? तो ये चीज ये बता रहे हैं यहाँ पे ना, अब ये बता रहे हैं मार्किंग स्विंग पॉइंट्स। स्विंग पॉइंट्स मार्क करने का बहुत सिंपल तरीका ये बता रहे हैं। सपोर्ट, सपोर्ट अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ आप लगाओगे तो नेक्स्ट जो होगा वो रेजिस्टेंस बनेगा अगर ये ब्रेकआउट करता है। सही है, अब जो नेक्स्ट होगा वो यहाँ लगेगी क्योंकि यहाँ से मार्केट गई है, तो ये सपोर्ट भी जो कि ऊपर से ब्रेकआउट हुई थी, यहाँ से मार्केट उठी तो ये सपोर्ट हो गई। ठीक है, बात मेरी मेरी लैंग्वेज आपको टेक्निकल समझ में आ रही है? जी मैं क्या अभी मैं आपसे ये कहूँ कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, और यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ऊपर गई मार्केट, यहाँ से नीचे आई, ये सपोर्ट, न्यू सपोर्ट आ गई, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गई, थोड़ा सा बाउंस नीचे लिया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ से अब मार्केट कहाँ जाएगी बता सकते हो? यहाँ से मार्केट ऊपर जानी चाहिए। गुड गुड गुड, यही चीज मैं सुनना चाह रहा था, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, नोट हाउ ओल्ड सपोर्ट कैन बिकम न्यू, नोट हाउ ओल्ड सपोर्ट कैन बिकम न्यू रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। नोट करो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से जो है ना, वो पुरानी सपोर्ट न्यू रेजिस्टेंस और न्यू पुरानी रेजिस्टेंस न्यू सपोर्ट कैसे बनती है। सही है, ये बताना चाह रहा है यहाँ पे, नजर आ रहा है जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इन्होंने लगाई है, समझ में आ रहा है? इस तरह से ये फ्लिप करते हैं एरियाज, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया, जो रेजिस्टेंस, अब वहां पे मार्केट गई नहीं है तो अभी पता नहीं है, लेकिन ये देखो सपोर्ट, सपोर्ट ये नीचे इसने ब्रेकआउट किया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि ट्रेडिंग फ्रॉम की लेवल्स ऑन इंट्राडे चार्ट बिलो वी सी एग्जांपल ऑफ 4 आवर एडीएसडी चार्ट एंड द इंटरप्ले ऑफ प्राइस एंड की लेवल्स ऑन द इंट्राडे चार्ट। सही है, ये जो चार्ट है ना, इसके ऊपर ये जो लेवल है, ये आई थिंक इससे डेली चार्ट का लगाया हुआ है, लेकिन ये जो इंटरडे, ये जो चार्ट है ये इंटरडे का है, 4 आवरली का है। जी फोर सही है, आवर्स इसके ऊपर किस तरह से काम कर रही है मार्केट, ये देखो। सही है, तो ओल्ड सपोर्ट न्यू रेजिस्टेंस, न्यू सपोर्ट ओल्ड रेजिस्टेंस, मेरा मतलब है न्यू रेजिस्टेंस के बाद जब वो न्यू रेजिस्टेंस ओल्ड हो गई तो फिर वो न्यू सपोर्ट में चेंज हो गई। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट लाइक मैग्नेट्स, दे अट्रैक्ट प्राइसेस एंड रिपेल प्राइसेस। ठीक है, ये बता रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो मैग्नेट्स की तरह काम करता है। मार्केट्स नेवर फॉरगेट की लेवल्स, दे आर क्लियरली, आगे लिखता है, दे आर क्लियरली नॉट परफेक्ट बट दे आर गुड गाइड। सही है, ये हमेशा परफेक्ट नहीं होते लेकिन ये गुड गाइड होती है। सही है, अब ये आगे अलग चीज बता रहा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको इसको जो है ना लेके जा रहा हूँ लाइव मार्केट में, और मैं वहां पे आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा। देखो
कौन सी मार्केट लें बताओ, कौन सी मार्केट पे बताऊं आपको, यूरो यूएसडी पे बताऊं? प्योर यूएसडी चल रहे हैं। अच्छा एक बात का ख्याल रखना है आपको, जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाओ या जब भी आप प्रेजेंटेशन का काम करो, ज्यादा कोशिश ये करो कि आपका जो ब्रोकर हो ना वो न्यूयॉर्क क्लोजिंग वाला हो। सही है, ठीक है न्यूयॉर्क क्लोजिंग वाले ब्रोकर्स के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली बहुत अच्छी आपको है ना प्लॉटिंग होती भी नजर आती है। सही है, कोई भी ब्रोकर जो न्यूयॉर्क क्लोजिंग वाला ना हो उसके ऊपर ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम ट्रेड ना करें। ट्रेड कर सकते हैं लेकिन ना करें ज्यादा बेहतर है, जैसे कि एक्सनेस हो गया जिसके ऊपर ट्रेड अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़े से मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे लिए अब मुश्किल नहीं है क्योंकि मेरा लेवल ऐसा हो गया। सही है, ठीक। मैं उस पर भी कर सकता हूँ, मैं वैसे लेकिन हॉट आप फॉर्स लोगों के यूज लेवल, करता हूँ, मुझे हॉट फॉर्स पर्सनली बहुत पसंद है। हाँ तो यस सही है, इस पे आप कर सकते, इस पे अगर आप कटना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, आप इस पे भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखो कि मैं यूरो यूएसडी पे मैं हूँ, और बेसिकली मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले क्या करोगे। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, इंटरडे ट्रेडिंग आपको खत्म करने के लिए ना इस पे राइट क्लिक करना, टाइम फ्रेम के ऊपर जाके कस्टमाइज पे जाना, और कस्टमाइज पे जाके सारे अवेलेबल जितने भी है ना आपके, जितने भी सिलेक्टेड टाइम फ्रेम्स है ना, इसके अंदर से तमाम जो लोअर टाइम फ्रेम्स है ना उनको अलग कर देना, अवेलेबल में रख देना, और सिलेक्टेड में डेली वीकली और मंथली रखना। सही है, इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से क्या होगा कि ना आपको जो आपका जो वो है ना आपका कंसंट्रेशन वो नहीं इंटरडे की तरफ नहीं हिलाना जाएगा, आप डेली वीकली मंथली के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे। सही है, इससे आपके अंदर जो है ना ग्रीड वगैरह भी खत्म हो जाएगा, और आपके अंदर सिर्फ आपको है ना सिर्फ ये तीन चार्ट्स नजर, तीन टाइम फ्रेम्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक। सही है, तो ये आपको फायदा दे सकता है, आपको जो है ना ओवर ट्रेडिंग से बचा सकता है। सही है, तो इसका ख्याल रखना बेसिकली। अच्छा अब आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले वीकली चार्ट खोलोगे, ये आपके सामने वीकली चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, वीकली चार्ट जी क्योंकि आपको मैंने अभी पॉइंट्स में बताया कि वीकली चार्ट्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट्स के अंदर के मेरा मतलब है हायर टाइम फ्रेम्स जो होते हैं, अभी भी हमने पढ़ा था कि हायर टाइम फ्रेम्स जो होते हैं ना उसके अंदर हमारे जो लेवल्स होते हैं ना बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं, बहुत रेलिवेंट होते हैं। सही है, मार्केट उनको बहुत जो है ना लैग कर रहा रिस्पेक्ट पैटर्न करती है, अकॉर्डिंग चल रही इसी है। वजह से जो है ना हमें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है ना प्लॉटिंग कर, इसी वजह से करना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो, जी यहाँ पे जो है हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम खोलेंगे और इसी पे डेटा को देखेंगे। सही है, अच्छा एक और बात याद रखनी है, आपका जो जूम इन होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। सही है, जूम इन से मुराद है आपका जो डाटा है वो इतना छोटा नजर आना चाहिए। सही है, तो बड़ा बाद में करता डाटा हूँ, ज्यादा कोशिश करें मत रखें, छोटा मैं डाटा बाद में रखें, करता हूँ। छोटे जूम में रखिएगा, इतना आपको मार्केट नजर आना चाहिए। इतने जूम पे, मेरी बात समझ में आ रही है, इतने जूम पे आपको रखें ताकि आपको पता जी चले कि आपके स्विंग लेवल्स लग रहे हैं तो कहाँ का नजर आ रहा है, आपको स्क्रीन पे इतना डाटा नजर आना चाहिए। जी जी सही है, जी ये कुछ 2012 से है, 2017 तक हमें इतना ज्यादा 5-6 साल के डाटा की जरूरत नहीं होती, लेकिन स्टिल आपको इतना रखना जरूरी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका सबसे पहला पॉइंट जो मुझे स्विंग लेवल के हिसाब से नजर आता है ना वो ये पॉइंट है जहां से मार्केट अच्छी तरीके से उठी है, और ये स्विंग एरिया है। सही है, और इस, हाँ जी आवाज आ रही जी आवाज आ रही, मैं सुन रहा हूँ। सही है, अच्छा सेकंड जो है वो ये बेसिकली ये हो सकता है इसके करीब करीब, ये सही सेकंड ये है, मतलब ये एक फर्म सपोर्ट है, ये की सपोर्ट है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको आगे जाके बेसिकली जो है ना आपको आगे जाके एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, जैसे कि एक मिनट, आसमान डिजिटल कार देख लो यार, प्लीज लाना, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। हेलो जी, सामने मैं सुन रहा हूँ। जी 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 कुछ चीजें आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ आती हैं, बेसिकली आप ये एरिया देखो और आप ये वाला एरिया देखो। सही है, अच्छा ये एरिया कब का है, ये एरिया है जनवरी 2015 का। सही है, या ये कह लो कि 2015 का लो लगा है ये। सही है, और 2015 ही में, 2015 ही में दूसरा लो भी यहाँ पे लगा है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट ने इधर मल्टी लो लगाया है, मल्टी ईयर लो है ये जो एरिया है, मल्टी ईयर लो है, क्योंकि मार्केट इसी एक एरिया
के अंदर मार्केट ने दो दफा यहाँ पे मार्केट बाउंस हुई है, बात समझ में आ रही? जी एक मल्टी ईयर लो है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू है, ये की सपोर्ट एरिया है, यहाँ से बार बार मार्केट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यहाँ से मार्केट को बाउंस दे रहे हैं, ठीक है? तो ये जो है मल्टी ईयर लो है और ये जो है बहुत ज्यादा मतलब अहमियत का हामिल है, सही है? और यहाँ से भी देखें जो 2016 आया है, अब ये आपको एक बात और बताऊं कि ये जो पास था इसके अंदर आप ये देखो, पास के बाद फ्यूचर में जब ये मार्केट इधर आई तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको रिएक्ट किया, सही है? इस बात का बिलीफ आप रखना पड़ेगा कि अगर पास में कभी प्राइसेस आती है, पास में कोई प्राइसेस रिएक्ट करती है, तो फिर फ्यूचर में भी उस तरह रिएक्शन ज्यादातर देने का उसका वो है कि वहां पे मार्केट ऐसा करेगी या नहीं करेगी, तो इसको ब्रेकआउट कर देगी। सिंपल दो ही बात हो सकती है, या वहां से रिस्पेक्ट करेगी या वहां से जो है ब्रेकआउट कर देगी, सही है? ये जी चीज है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो है ये हमारे पास एक लेवल था जो कि की सपोर्ट लेवल के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है आप ये वाला लेवल देखें, ये जो लेवल है ये जहाँ पे अभी मार्केट आ रही है, सही है? ठीक और एक बात बताऊं कि ये जो लेवल्स होते हैं ये बेसिकली जोन्स होते हैं, ये कोई परफेक्ट एक लाइन नहीं होती, ये जोन्स होते हैं, जोन्स, ठीक है? और इन जोन्स के ऊपर जो है मार्केट रिएक्ट करती है, ये कोई एक एक कहना चाहिए एक लाइन की तरह काम नहीं करता, ये एरियाज होते हैं, ये पूरा एरियाज है, क्योंकि इन एरियाज में किसी भी जगह जाके मार्केट रिएक्ट कर सकती है। मेरी बात आपको क्लियर होगी मैं क्या बोल रहा जी हूँ? याद रखो ये जोन्स होते हैं, ये एरियाज होते हैं, ये कोई एक एक लाइन नहीं होती, ठीक है? अब आप क्या करोगे, अब जरा इसके बैक पे जाओगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो एरियाज हैं ये इसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रही है, सही है? मार्केट करीब करीब से गुजर रही है, इसका मतलब है ये स्विंग एरियाज जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जिसकी वजह से मार्केट पास में भी बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है, सही है? बात जी समझ में आ रही है? जी ये वो एरियाज है। अब ये जो यूरो यूएसडी है बेसिकली ये नीचे जा रहा है, वो इस वजह से कि अगर आप डेली पर आ जाओ तो डेली पे यहाँ पर भी सपोर्ट तो बनती है, ये बात सही है, लेकिन वीकली के हिसाब से अगर आप देखो, वीकली को अगर हम देखें तो वीकली लॉन्ग टर्म व्यू आपको बताता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? लेकिन इतना मैं बता दूं कि वीकली के लॉन्ग टर्म व्यूज के साथ हमें डेली को भी देखना जरूरी है, क्योंकि हम आमतौर पर डेली पे ही डेल हम आमतौर पर डेली पे ही ट्रेड्स लेते हैं, सही है? जी तो अगर आप डेली पे जाएंगे, इस पे एक और लेवल मैं बताता चलूँ, ये भी एक लेवल है, क्वांटी पार्ट्स, सही है? और यहाँ पे प्रॉपरली ये यहाँ से गिरा इसलिए भी है कि यहाँ पर भी आपके पास जो है ना बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था, उसकी वजह से अब जब मार्केट इधर दोबारा आई है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली है इसको, ठीक है? तो जी इस तरह से हम इसको मतलब वो करते हैं, इसको जो है ना देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मार्केट जो है ये बेसिकली यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो है ना वो थी, क्या थी, साइडवे थी, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, सही? अब मार्केट के अंदर एक बात और याद रखनी है, मार्केट के अंदर वीकली के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, वीकली की रिट्रेसमेंट भी ना मार्केट के अंदर डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ना वो एक ट्रेंड की शक्ल ले रही है, ठीक है? बात क्लियर है, जी ठीक है? अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे वीकली के लेवल्स हैं, ठीक है? अब आपको अगर मैं ये बोलूँ कि वीकली के ऊपर भी डेली के ऊपर भी जो है ना वो होते हैं, वो इसके अपने लेवल्स होते हैं या इसके अपने नियर टर्म लेवल्स होते हैं। नियर टर्म लेवल्स कौन से होते हैं जो डेली के ऊपर होते हैं, मैं इनको ब्लू से मार्क करता हूँ, ये वो लेवल्स हैं जो डेली के नियर टर्म लेवल कह सकते हैं आप। ये क्यों नियर टर्म कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये होता है कि ये हमेशा रेलेवेंट नहीं रहते, ये फिर टाइम के साथ साथ ये इरेलीवेंट भी हो जाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से मार्केट गई ऊपर, गई इस तरह से ऊपर चलती गई, अब ये नीचे आई, फिर यहाँ से ब्रेकआउट, इतने कम अरसे में ब्रेकआउट कर दिया, तो ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये कोई नियर टर्म लेवल कहलाएगा, ये कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म लेवल नहीं कहलाएगा, ये डेली का नियर टर्म लेवल कहलाएगा, सही है? लेकिन ये भी आपको जो है ना अच्छी अच्छी ट्रेड्स दे सकते हैं, ठीक है? तो डेली के नियर टर्म लेवल्स भी जो होते हैं ये भी बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इनके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, सही है? तो जी मेरा जो अभी एनालिसिस था वो बेसिकली वीकली के इन लेवल्स पे नहीं था, सही है? मेरा जो एनालिसिस था बेसिकली वो मैं आपको बताता हूँ, वो मेरा इसी लेवल के ऊपर है अभी भी,
इन लेवल्स के ऊपर काम कर रहा है वो अभी। आज का जो आप मेरा एनालिसिस देखें वो बेसिकली यहाँ पे काम कर रहा है कि इस मार्केट ने इसको इस एरिया को ब्रेकआउट किया। जब मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया तो अब हम इस एरिया पे रिटेस्ट का वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ रिटेस्ट करे और यहाँ से नीचे जाए, ठीक है, यहाँ नीचे थोड़ा सा नीचे जाए, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करे और यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे जाए, समझे? ठीक ठीक। तो ये जब आप वो करना शुरू करोगे, जब आप इसको प्रॉपरली इसकी जो है ना आप प्लॉटिंग करना शुरू करोगे, तब आपको जाके पता चलेगा कि मार्केट क्या कर रही है। अब मिसाल के तौर पे वीकली के अंदर आपने देखा कि वीकली रेंज मार्केट के अंदर है, रेंज क्या चीज होती है, ट्रेंडिंग मार्केट क्या चीज होती है, ये सारी चीजें जो है वो मैं हम बाद में मतलब ट्रेंडिंग के अंदर हम इसको जो है ना वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वो लेवल है जहां पे मार्केट ने अपने आप को ट्रेंड के अंदर जो है ना ये बताया कि मार्केट जो है ना ओवरऑल साइडवे है, ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है, सही है ना, तो ये जरूरी है। अच्छा कोई और मार्केट बताओ, कोई और मार्केट देखें। अच्छा इसके अंदर और भी नियर टर्म लेवल्स हैं अगर आप देखो तो, मैं डेली की बात कर रहा हूँ क्योंकि वीकली पे हमें ट्रेड नहीं करनी, वीकली पे हमें सिर्फ की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या की स्विंग लेवल्स को देखना है, ठीक है, और डेली के ऊपर नियर टर्म ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि नियर टर्म को देखा जाए। अब मिसाल के तौर पर इस पर नियर टर्म लेवल और कौन से बन सकते हैं या जो हमें नजर आ रहे हैं कि अभी आने वाले हैं, वो उनमें से एक सबसे बड़ा जो मुझे नजर आ रहा है वो ये वाला लेवल नजर आ रहा है, सही है? ज्यादा उड़ नहीं होता, अभी मैनेज कर लो वो इसको नॉर्मली कोई आपको कंफ्यूजन तो इधर नहीं आ। है? हेलो, नहीं, अभी मुझे पता चल रहा है, समझ आ रही है जो आप बता रहे हैं। जी। तो ये जो चीजें हैं ये आपको एक वक्त में नहीं आती, इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है, और जब आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो जब इतना वर्किंग करो कि आप बोर हो जाओ करते करते, जब आप जाके आपको ये बात समझ में आएगी कि वीकली के लेवल्स और डेली के लेवल्स किस तरह से आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है। एक बात याद रखनी है, शायद आपको थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूजन हो, देखें वीकली का जो ट्रेंड होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, सही है। हम एज अ ट्रांजेक्शन नहीं, ये ट्रेडर काम पे बहुत बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहते, हम कोशिश करते हैं 2 से 6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में हमारा काम हो जाए, बेसिकली हमारा ये अप्रोच होती है। तो हम क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हैं, डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीकली बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो हमारी अप्रोच जो होती है ना वो 2 आर लेके मार्केट से निकलने वाली होती है। 2 आर पोटेंशियल क्या क्या चीज होती है, मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप ये बात समझो कि लेवल्स किस तरह लगाया जा रहा है, सही है? जी क्या ये बात क्लियर, क्या जी ये बात क्लियर है, तो फिर मैं और आगे और पेयर्स आपको दिखाऊं, जी ये क्लियर है। ठीक है ना। अच्छा इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से जो है ना इन लेवल्स को वो करती है, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट कैसे करती है। यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी, इधर यहाँ पे क्या था, ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ऐसे ही है। ये रेजिस्टेंस थी, ये फॉल्स ब्रेक था, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ये पूरा एरिया है, ये जोन, ये कोई एक सिंगल लाइन नहीं है, ये पूरा जोन है, यहाँ से मार्केट जो है बार बार रिटर्न ले रही है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आप अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि इस मार्केट ने इसी जगह से जब टर्न बैक लिया है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जब टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट ने क्या लिया, इसको एज अ सपोर्ट लिया, सही है। तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि हमारी थ्योरी ये बनी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफन रिपीट देमसेल्फ्स, सही है, ये अपने आप को रिपीट करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है, फ्लिप हो जाते हैं आपस में, ठीक है। तो क्या अगर अगर हमारी ये थ्योरी है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ सपोर्ट थी नियर टर्म लेवल पे डेली के, यहाँ पे सपोर्ट थी, अब ये यहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट हो गया तो अब ये आगे जाके रेजिस्टेंस बन जाएगी, क्या हम ये कह सकते हैं? जी अच्छा, तो ये भी तो होता है ना, मार्केट 2-3 दफा रीटेस्ट करती है, तीसरी दफा अपने वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा भी होता है, तो वो यही चीज तो यहाँ पे हुई है, यही तो हुआ है यहाँ पे, सब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, एवरी टाइम इट हिट दिस एरिया इट 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 इज गोइंग डाउन, हर दफा जब जा ये इसको टकराई है हमेशा नीचे जाती रही है,
सही है, तो ये वही चीज हो रही है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या आपको मेरी बात क्लियर है सारी की सारी? क्या जी आप इस पे सेटिस्फाई हो या नहीं हो? जी सेटिस्फाई मुझे समझ आ रही है। सही है। ये जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, बेसिकली जब तक आप प्रैक्टिकली इसको करोगे नहीं, और जब तक आप ये नहीं करोगे, आप अच्छे प्रेजेंटेशन डेटर नहीं बन सकते। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आपको मैं बता रहा हूँ। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको प्लॉटिंग आनी चाहिए प्रोफेशनली। इसके ऊपर मैं आपको तमाम चीजें, तमाम कोर्स मटेरियल दूंगा। इवन के अंदर जो पेड आर्टिकल्स होते हैं नेल फिलर के, वो भी मैं आपको दूंगा, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर है, वो आप पढ़ेंगे उनको प्रॉपरली। आप उसको मतलब जो है ना, उसका प्रॉपर जूस बना के आप ये कह लें कि आप उसको, आपको हजम करना है उसको ना प्रॉपरली, आपको पी जाना है उसको घोल के। आप उसको सबको पढ़ोगे, उसको समझोगे, आपको ऐसा हो नहीं सकता आपको नहीं समझना है। क्योंकि सब नील फिलर को 15 ईयर से ज्यादा हो गया पढ़ाते पढ़ाते, और 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट उसके पास ट्यूटर बन चुका है। तो ऐसा हो नहीं सकता आपको नहीं समझना है। बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत सिंपल मेथड है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सही है। इसी तरह से यूरो यूएसडी के बाद कोई मार्केट बोलो, तुम बताओ जो मार्केट तुम बोलो, कौन सी बोलो 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 यूएसडी बोलो। जेपीवाई गुड। यूएसडी जेपीवाई इज वन ऑफ माय फेवरेट मार्केट्स, और मुझे भी बहुत यूएसडी पसंद है। जेपीवाई हाँ, और ये जो है मेजर पेयर है, और मेजर पेयर फ्रेंडली होते हैं आमतौर पे। सही। तो ये तो 4 आवर्ली का चार्ट है, वीकली पे चलते हैं। ये वीकली का चार्ट है। बेसिकली वीकली के ऊपर ना हमारी आंखें ट्रेंड इसलिए हो गई कि हम पुराने करने वाले हैं, पुराने। अब माशाल्लाह हमारे को टाइम हो गया। सही है। इस चार्ट के अंदर जो वीकली का चार्ट है, इसके अंदर आपको प्रॉपर आपको ये नजर आ रहा है कि मार्केट क्या कर रही है। बेसिकली मैं वीकली के बड़े बड़े जो लॉन्ग टर्म लेवल्स हैं, उनको रेड पे लगाना पसंद करता हूँ। सही। तो मैं रेड्स लाइन में जितने भी लगाऊँ, समझ जाया करो कि ये वीकली के लॉन्ग टर्म लेवल्स हैं। अब मिसाल के तौर पे मार्केट खुद बता रही है कि मार्केट साइडवे है या रेंज बाउंडेड है। रेंज बाउंडेड क्या होता है, इस पर घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी सारी की सारी मैं डिटेल आपको दूंगा जब मैं ट्रेंड एनालिसिस की बात करूंगा। सही है। लेकिन अभी आपको ये बात समझना जरूरी है कि वीकली का एक लॉन्ग 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 पिक्चर आपको क्या बता रही है वीकली की। सही है। वीकली की लॉन्ग पिक्चर हमें यही बता रही है, आपको इतना जूम आउट करके देखना है मार्केट को कि मार्केट क्या करती है। तो मार्केट की लॉन्ग पिक्चर जो है ना, यही मतलब लॉन्ग पिक्चर बोल रहा हूँ, सॉरी यार, बिग पिक्चर ये बता रही है कि मार्केट जो है ना एक कंटेनमेंट के अंदर चल रही है, एक कंटेनमेंट में ट्रैप है। सही है। और इस कंटेनमेंट के अंदर जो स्विंग एरियाज हैं या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरियाज हैं, वो बेसिकली यही है। ठीक है। इनसे अच्छे एरियाज है ही नहीं मार्केट के तो जैसे अभी फिलहाल अभी ये जो मार्केट जो टेंथ लेवल चल रहा है, अरे यहाँ से वीकली ट्रेड इस चीज़ तो जो ये इसकी मार्केट की रेजिस्टेंस है, इसे ब्रेक नहीं करती तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। मतलब 114 जो इस तो लेवल है, यहाँ से बिल्कुल वन वन बिल्कुल, अगर फोर इसको पॉइंट थ्री रिस्पेक्ट वन एट करती फाइव है। एट जी, 114.358 से लेके 115.52, 115.52, इनके नीचे अगर मार्केट, अगर इनके नीचे कोई बहुत बड़ा प्राइस एक्शन सिग्नल बनाए तो ये नीचे जा सकती है बिल्कुल। लेकिन हम रेंज के अंदर काम नहीं करते, हम अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं, हम डिसिप्लिन रहते हैं ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर, मार्केट्स को ट्रेड करते हुए। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर ट्रेड करते हैं। सही है। हम रेंज मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करते। सही है। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी। सही है। अब ये चार्ट मुझे, मेरी ये चार्ट इतने प्रॉपर लेवल लगाए मैंने कि मुझे डेली के अंदर कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे मार्केट खुद बता रही है कि मार्केट क्या कर रही है। सही है। तो ये परफेक्शन कब आती है? ये परफेक्शन प्रोफेशनली जब आती है, जब आप अपने आप को फुल डिवोट करते हो मार्केट्स के अंदर, अपने आप को चार्ट के सामने रखते हो, स्टेयर कर। देखो लर्निंग के वक्त चार्ट को स्टेयर करना गलत नहीं है, लेकिन बहुत से ज्यादा जब आपको सीख लो और हर वक्त स्टेयर करते हो चार्ट को, हर वक्त घूरते रहते हो, वो फिर आपके अंदर जो है ना साइकोलॉजिकल बैड हैबिट्स बना सकता है, आपके अंदर डेवलप कर सकता है। सही है। तो बहुत ज्यादा जरूरी इस बात के अंदर आपको ये बात रखनी पड़ेगी कि हर वक्त आपको चार्ट घूरना नहीं है। कब? जब आपका लर्निंग स्टेज खत्म हो जाए। सही है। जब आपका लर्निंग स्टेज खत्म हो जाए, तो फिर आप जब कमाने पर आ जाओ या आप डेमो ट्रेडिंग करो, तो आपको बहुत उसकी फिर मेंटेलिटी ये है कि सेट एंड फॉरगेट की मेंटेलिटी होती है, जो रेल फलर समझाते हैं कि आपको अपनी स्टॉप्स लगाने हैं, आपको एंट्री सेट करनी है, आपको अपना टारगेट सेट करना है, और आपको अपना टर्मिनल बंद कर देना है। सही है। आप अपने दूसरे कामों में मशगूल हो जाओ, इससे क्या होगा कि आप अपने स्टॉप लॉस और अपनी एंट्री और अपने टारगेट्स को बार बार छेड़ोगे नहीं, उनको जो है ना तंग नहीं करोगे, उनको अपने जगह पर रहने दोगे। सही है।
जितना ज्यादा चार्ट को देखोगे उतना ज्यादा आपके अंदर जो है ना वो आपकी जो है ना मेंटेलिटी डिस्टर्ब होगी, आप जो है ना फेयर और ग्रीड के चक्करों में पड़ोगे। सही है, ये छोटी सी टिप दे रहा हूँ आपको। सही जी है, जी ये चीज है। तो अगर आपका लर्निंग स्टेज है उसके अंदर आप चार्ट को घूरो, उसको देखो, उसको समझो, ये गलत नहीं है। सही है, तो ये मार्केट हमें ये बता रही है कि ये जो है वो एक लॉन्ग टर्म बॉन्डेड रेंज बॉन्डेड मार्केट है, और रेंज बॉन्डेड मार्केट के अंदर हम ट्रेड नहीं करते बेसिकली। आप मेरी पता नहीं आपने अभी देखी है क्या, नहीं देखी? आपने देखी है मेरी एनालिसिस फोरकास्ट? देखी है वीकली वो वीकली वाली वाली? वीकली होती है, मैं वीकली बेसिकली देता हूँ, और अगर बीच में कोई सेटअप बनता है तो मैं अपडेट कर देता हूँ पोस्ट बना के। देखी वीकली मैंने देखी थी। थी ना, उसमें भी मैंने यही बताया हुआ था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तभी हम इसके ऊपर ट्रेड लेंगे वरना नहीं लेंगे, ये दो बताए थे मैंने। मतलब फिर नीचे आ जाती थी तो नीचे भी ट्रेड लेंगे। ठीक हाँ, या यहाँ पे या यहाँ पे मैंने बताया था। सही है, तो इन चीजों का ख्याल रखना है और इन चीजों को ऑब्जर्व करो और देखो। सही है, और कोई मार्केट जो के देखो, हर मार्केट का स्ट्रक्चर अलग होता है। देखो पहली वाली मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा था, अब वाली मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपकी आंखों में बैठ जाएगा जब आप इसके अंदर आपको मजीद एक्सपीरियंस हासिल होगा। ठीक है, ये एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, इसको वक्त लगता है, ये कम से कम 3 से 4, डिपेंडिंग अपॉन योर मेंटेलिटी, आपका लर्निंग, आपकी लर्निंग और गेटिंग, आपका कोई पॉइंट पिक करने की लर्निंग की स्किल्स कैसे हैं, आपकी लर्निंग पावर कितनी है, ये डिपेंड करता है। कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है आपको। ये मे भी हो सकता है आपको जल्दी लर्निंग जल्दी हो जाए, आपकी लर्निंग ग्रोथ अगर तेज है, या अल्लाह ने आपको जहीन बनाया है, या गॉड गिफ्टेड हो, तो हो सकता है आपको 1 से 1.5 साल के अंदर ये समझ में आ जाए, हो सकता है आपको 8 महीने में समझ में आ जाए, हो सकता है 6 महीने में, लेकिन मुझे करते 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 2 से 2.5 साल लगे हैं, 2 से 2.5 साल तकरीबन लगे हैं। सही है, तो ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, डिपेंडिंग अपॉन योर डिवोशन, डिपेंडिंग अपॉन योर डेडिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन योर हार्ड वर्किंग, डिपेंडिंग अपॉन योर, मैं आई कांट स्ट्रेस इनफ कि मैं आपको कैसे बताऊं कि ये कितना जरूरी है और किस तरह से ये आपको मास्टर कर सकते हो। सही है, तो मास्टरिंग बहुत जरूरी है। और कुछ बोलो, और जो तुम्हारा पसंदीदा कोई मतलब हो स्पॉट जो। रेजिस्टेंस, पहले स्पॉट रेजिस्टेंस में बहुत अच्छी तरह ड्रिप लेनी होगी। स्पॉट रेजिस्टेंस से सारी चीज जी जी लेवल्स और टी पॉइंट्स तो समझना होगा। जी जी अभी जी मैंने जी ये भी आपको देखना, आपको दूसरे लोगों से अलग जो चीज बनाएगी वो यही स्किल आपका ठीक है, बनाएगा, अभी ये मैंने जो आप। मतलब मैंने अभी सिर्फ ये नहीं देखना कि स्पॉट रेजिस्टेंस पर ट्रेड कैसे लेनी है। अभी मैंने ये देखना है कि स्पॉट रेजिस्टेंस की प्लॉटिंग कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर टी लेवल्स है। मैंने ये नहीं देखना कि उसकी रिवर्सल कहाँ पर हो रही है, लेकिन मैंने ये देखना है लाजमी जब मैं स्पॉट रेजिस्टेंस ज्यादा कर रहा हूँ तो कितना परफेक्टली ड्रा हो रही है और कितने लेवल पर ड्रा हो रही है और किस तरह से ये कर रही है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। आज का टॉपिक आपको घोल के पी जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही डिसाइड करेगा कि आपका प्रेजेंशन का फ्यूचर या कैरियर क्या है। सही तो है, इसका तो मतलब मैं आपको ना, अब मैंने ये जो वीडियोस मैंने बनाई है मैं इन वीडियोस से फिर दोबारा देखूंगा। जो मुझे आप टोर से भी सेंड करेंगे वो मैं पूरा पढ़ूंगा। अभी फिर मैं आप तो एक सही ना है, छोटा सा ओवरव्यू दूंगा 15 मिनट का अपना सारा कुछ, ताकि अगर मैं कोई मिस्टेक करूँ आप मेरी करेक्शन कर देगा उसमें। ठीक तो है उसका भी कोई इशू नहीं है, उसका भी कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसको आप रिकॉर्ड करके उसको आप मेरे ग्रुप पर डाल दीजिएगा, तो उससे लोगों को भी सीखने को मिलेगा और मुझे भी सीखने को मिलेगा, तो मतलब मैं भी आपको सिखाऊंगा उसको। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप वीडियो डाल के भी, अगर आप उस पर वीडियोज भी डाल देंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आपकी हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक ठीक है ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई जल्दी से कोई मार्केट बताओ जो तुम्हें पसंद है, उस पर करते हैं, बताओ कोई मार्केट। जीबीपी जेपीवाई है मुझे पसंद, मुझे यूएस ऑयल पसंद है, गोल्ड है, गोल्ड मुझे बहुत पसंद है। जेपी 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 वाई भी अच्छी मार्केट है, लेकिन ये पिप्स के हवाले से बताते चलूँ, बहुत एक्सपेंसिव है ये बहुत ये, इसके वोलेटाइल है पिप्स जो, हाँ वोलेटाइल बहुत है, ये बात तो इसीलिए। है। जेपी जेपी वाई भी जाहिर बात है, ये मेजर तो नहीं है, मेजर पेयर तो नहीं है, लेकिन स्टिल ये क्रॉस में सबसे बादशाहों में, क्रॉस के बादशाहों मतलब क्रॉस का शहजादा है, क्रॉस में क्रॉस पेयर जो है ना उसके अंदर आता है ये। लेकिन ये भी कहना चाहिए कि मतलब लोगों की नजरों में रहता है जीबीबी जेपी वाई। ऐसे ठीक है, और येन इसके साथ जुड़ रहा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पौंड और येन भी मतलब बहुत बेसिकली ना ये एक दूसरे के साथ कभी कभार बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, कहने का मतलब ये। ठीक है, ये वीकली चार्ट हमने दोबारा खोला, फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर अगेन एंड अगेन, दिस इज आवर सक्सेस। दिस ठीक इज है, स्पॉट मारियो। और ये
इसी तरफ भी। अच्छा आपको पीछे भी दिखना है, ये बात मैं बता रहा हूँ, सॉरी भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी। जब आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लो, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या लगाओ, एक साथ सारा मुकम्मल कर लो, फिर जाके पीछे भी जाके देखो कि मार्केट क्या कर रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा करके दिखा रहा हूँ, मार्केट इधर है तो नहीं, लेकिन स्टिल मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि मार्केट कहाँ कहाँ जो है ना वो अपने स्विंग पॉइंट्स या स्विंग एरियाज बना रही है। बड़े बड़े स्विंग एरियाज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लाइक दिस वन। ये इसलिए बहुत ज्यादा, आपको एक और अच्छी वो दूं, आपको किसी ने बताया नहीं होगा या किसी को पता नहीं होगा कि वीकली की जो पिन बार होती है ना, वीकली की जो पिन बार होती है उसके हाई और लो पे अगर आप, ये टिप दे रहा हूँ आपको, ये हमें मगर एक बात याद रखना, मार्केट डायनामिक होती है, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात सीखी और मैंने अपने बड़ों से भी, जो मेरे मेंटर हैं उनसे भी सीखा है, उसकी मैं बाकायदा मैंने जस्टिन बेनेट जो मेरे एक और मेंटर हैं उनकी, जस्टिन बेनेट की एक वीडियो मैंने डाली हुई है, उसका भी कोर्स आपको दूंगा मैं इसके अंदर, वो भी कोर्स आपको मैं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आपको वो दे दूंगा। देखो तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें उतना इल्म दूंगा जो मेरे पास है या जो मैं ऑनेस्टली अपने लोगों को देता हूँ, सही है। मुझे ये नहीं है, मुझे ये था कि यार तुम किसी गलत लोगों के हाथों नहीं चढ़ो, मेरा ये था, मेरा बेसिकली नियत मेरी ये थी तुम्हारे ऊपर। दूसरी बात ये है ना, ये जो पिन बार्स हैं वीकली की, ये बेसिकली मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और अपने टिप बता रहा हूँ, ये बहुत जो है ना जो वीकली की पिन बार होती है ये सिग्निफिकेंट होती है लेवल्स लगाने में, सही है। इस बार की जो लो है ना, ये जो लोज हैं इस पिन बार की, इस वाली की बात कर रहा हूँ, इस वाली की, इसकी लो को अगर आप मार्क करो और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो आपको रिमार्केबल आपको इसका वो रिजल्ट नजर आएगा, सही है, क्योंकि ये काम करती हैं, ये चीजें काम करती हैं और ये एक प्लस पॉइंट है अगर आपको इन चीजों का पता है तो। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या स्विंग लेवल पे बहुत प्रॉपरली जो है ना वो करती हैं, प्रॉपरली उनको ड्रॉ और मैपिंग बहुत अच्छी होती है इससे ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, मुझे ये कहना चाहिए, सही। तो ये चीज है, अब ये बड़े बड़े पॉइंट्स मैंने आपके सामने लगाए हैं, यहाँ पे थोड़ा फॉल्स ब्रेक भी हुआ है बेसिकली, आप इसको लगा भी दो तो कोई इररिलेवेंट, अभी फिलहाल इररिलेवेंट है, लेकिन स्टिल ये ज्यादा सिग्निफिकेंट नजर मुझे इतना नहीं आ रहा है ये वाला, तो पहले इसको आप हटा भी सकते हो, सही। अच्छा ऊपर चले जाओ, ऊपर जाने के बाद अगर आप ये देखो तो ये एरिया इसके करीब है, ये एरिया ये एरिया इस तरह से हुआ है कि पीछे से अगर आप देखो तो थोड़ा पीछे, अगर आपने यहाँ पे लेवल्स लगा लिए तो आप इसको अब जाके पीछे भी जाके देख सकते हो किस तरह पीछे पास में ये रिएक्शन दे रहे हैं अपना, तो आपको नजर आएगा कि हर एक एक लेवल ना वो पीछे रिएक्शन दे रहा है, सही है, नजर आ रहा है, हर एक लेवल पीछे रिएक्शन दे रहा है अपने, कोई सपोर्ट बन रहा है, कोई रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, तो ये आपको वक्त के साथ साथ आएगी, इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रोथ, लर्निंग ग्रोथ और उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, अब ये जो लेवल आ रहा है ये भी बेसिकली एक पहले सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है यहाँ पर, और यहाँ से भी दोबारा सपोर्ट लिया, अब ये दोबारा ऊपर जा रही है। अब हमारा जीबीपी जेपीवाई पे क्या वो है ये देख लेते हैं, जीबीपी जेपीवाई बेसिकली अगर आप देखो, अच्छा एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, वीकली के जो लेवल्स होते हैं, सही है, वीकली पे आपने लेवल लगाए, अब डेली पे अगर आप आते हो तो थोड़ी बहुत आपके पास गुंजाइश होती है कि थोड़ा सा आप आगे पीछे लेवल्स को कर सकते हो, इसमें कोई कोई हैरत कोई मतलब कोई आगे पीछे एडजस्ट करने के लिए आप लेवल्स को आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हो मेरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सही तो है, मगर मैं आपको एक टिप दे रहा था ये कि ना आप थोड़ा बहुत आगे पीछे पिप्स के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, वीकली लेवल का डेली पे सही नहीं लग रहा हो तो आप आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉपरली लाइनिंग अप हो रहा है, मुझे हटाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और मैंने आप मेरी एनालिसिस भी देखोगे तो आपको नजर आएगा कि तकरीबन मैंने ये जो मेरे वो हैं वो मैंने यही लगाए हैं सारे लेवल्स, और मेरे ख्याल ये वाला लेवल यहाँ पे नहीं था, ये शायद इधर कहीं होगा, इसके करीब होगा यहाँ पे, सही है। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करने का आपको जो है ना वो इतना है, छूट है कि आप एडजस्टिंग कर सकते हो, सही है। पर ये इंटरेस्टिंग बात भी बनी हुई ना, जो आपने तीसरा ट्रेंडस्टिक पैटर्न बताया था ऊपर, ये वाला, ये क्या बोल रहा, क्या बोल रहा हूँ, जो आपने तीसरा पैटर्न बताया था इंगल्फिंग बार, नहीं ये इंगल्फिंग बार नहीं है बेसिकली उसकी वजह ये है कि इंगल्फिंग बार के बारे में भी बात होगी, ये इसलिए इंगल्फिंग बार नहीं है मेरे भाई क्योंकि इसकी वॉयलेशन हो रही है यहाँ पे, देखो इसका जो हाई है ना,
इसका हाई, इसके हाई से ये हाई छोटा है, तो ये एंगल्फिंग बेसिकली आप अगर वर्ड को गौर करो, एंगल्फिंग एंगल्फिंग नहीं कर रहा है बेसिकली, ऊपर से तो एंगल्फिंग कर ही नहीं रहा। एक बार जो इस तरह से बने, एक बार इस तरह से बने और दूसरी बार जो पिछली बार है वो इसके अंदर मुकम्मल पूरा फ्रॉम हाई टू लो इसके अंदर जो है ना वो हो जाए, इसके अंदर समा जाए, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो है ये एंगल्फिंग है। मतलब बुलिश टॉप बैरिश के अंदर समाना हो रहा पूरा। हाँ उसको वो एंगल्फिंग है, ये एंगल्फिंग नहीं है, इसको एक और नाम दिया जाता है जो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। और अगर आपको ये चीजें सीखनी हो तो मेरा सीक्रेट ग्रुप के अंदर वीडियोस बकायदा बना के मैंने डाली हुई है लोगों के लिए, अपने सीक्रेट ग्रुप के अंदर अपने अपने स्टूडेंट्स के लिए। ये टू बार रिवर्सल कहलाते हैं, सही है, ठीक है। टू बार रिवर्सल कहलाते हैं। मैंने अभी फॉल्स ब्रेक के ऊपर भी मेरी वीडियो आने वाली है और वो मेरे कोर्स का भी हिस्सा है, वो भी पढ़ाऊंगा। टू बार रिवर्सल कहलाते हैं इनके अंदर। इनकी बस खासियत ये होती है कि ये लो को वायलेट कर जाते, वायलेट कर जाते हैं। ये बुल का जो बुलिश कैंडल का जो लो है ना, ये जो लो है, मैं ओपन की बात नहीं कर रहा, मैं लो की बात कर रहा हूँ। इस लो को या इसकी लो को नहीं बल्कि ओपनिंग को, इसकी ओपनिंग को, इसकी ये जो बेरिश कैंडल है ये इसकी क्लोजिंग इस ओपनिंग के से नीचे होगी, तो ये इस वजह से टू बार रिवर्सल है। इसके लिए बेरिश कैंडल की ओपनिंग की कोई मैटर नहीं करता कहीं भी हो, लेकिन क्लोज इसके नीचे होना चाहिए, तो ये टू बार रिवर्सल कहलाती है। अब बात समझे, ये चीज है। तो क्या आपको ये लगता है कि वीकली चार्ट इतने प्यारे लेवल्स बता रहे हैं तो अभी भी कोई जरूरत है लेवल्स लगाने की? अब इसको आप लॉन्ग टर्म देखो, आपको क्या आपको परफेक्ट तस्वीर नजर नहीं आ रही इसकी जीबीपी जेपीवाई की? क्या समझते हो? ऐसे ही देखो, शुरू शुरू में होगा, शुरू शुरू में तुम्हारे अंदर कन्फ्यूजन होगी, लेकिन एक बात याद रखो कि हर जगह लेवल नहीं लगाते, सिर्फ सबकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लेवल लगाते हैं, सही है। ये हर हर लेवल जो है बेसिकली ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि मैं की सपोर्ट हूँ, मैं सिर्फ सपोर्ट नहीं हूँ, मैं की सपोर्ट हूँ। अगर मैं रेजिस्टेंस हूँ तो मैं की रेजिस्टेंस हूँ, मैं सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड की रेजिस्टेंस, सही है। एक एक लेवल खुद बता रहा है। क्या कोई क्वेश्चन है इसके अंदर आपके? नहीं अभी मुझे क्लियर हुआ, मैं एक दो दफा दबा देता तो जो कंफ्यूजन आ रही है वो भी क्लियर हो जाएगी इजीली। सही है। अच्छा इसके बाद कौन सी मार्केट है आपकी? गोल्ड बोल रहे थे ना जी। फिर दोबारा वीकली पे जाएंगे, सही है। इसका ये चार्ट उठा नहीं रहा, ठीक है। अच्छा आ गया। अच्छा ये वीकली का चार्ट है, ठीक है। अब वीकली के चार्ट के ऊपर डेली गोल्ड के अब हम इस पर लगाना शुरू करो। सबसे पहला कौन सा है? ये एरिया है, ठीक है। उसके बाद कौन सा एरिया है? मैं ओवरऑल अभी मार्केट इधर नहीं है लेकिन आपको करके दिखा रहा हूँ, सही है। एक एरिया ये सबसे बड़ा जो सपोर्ट एरिया है वो ये बना हुआ। अच्छा ऊपर से जरा चलें तो देखेंगे कि ये एरिया जो कि इधर आता है, ये एरिया बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, सही है। उसके बाद कौन सा एरिया आ रहा है? 1264 वाला नहीं आएगा? नहीं सॉरी 1264 टेनम, ये वाला ये बन रहा है ऑलमोस्ट 1256 से नीचे थोड़ा सा। 1256 से नीचे, ये तो आप नेक्स्ट बता रहे हो? नहीं ये सॉरी क्या बता रहा हूँ, मतलब आप नेक्स्ट लेवल का बता रहे हो ना जो अब लगने वाला है जी। हाँ यहाँ पर ये बोल रहे हो, इससे थोड़ा सा नीचे, इससे थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर, ये गुड गुड गुड, ये लेवल है ना थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल है। और दूसरी बात मैं आपको एक बार बताता चलूँ कि ये थोड़ा सा, अब जारी बात है मार्केट अगर चौपी होगी या मार्केट थोड़ी सी उसका स्ट्रक्चर सही नहीं हुआ तो थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा चीरेगा, ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा, मतलब थोड़ा सा मार्केट आगे पीछे, उस पर डरने की बात नहीं है। ये जब मार्केट ट्रेंडी होती है ना, तो जैसे कि नील फिंगर के पॉइंट्स के अंदर था अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जब मार्केट ट्रेंडी होती है तो उसके अंदर ये लगाना आसान हो जाता है, लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडी नहीं होती तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, सही है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि वो सत्य कंफ्यूजन आपको कहीं कहीं हो। गोल्ड अभी जो थोड़ा सा मस्ती कर रहा है, गोल्ड अभी सही हालत नहीं है, लेकिन ओवर ये अभी जो है ना अप ट्रेंड जाने वाला है, इसका अप ट्रेंड ही है, ये परफेक्ट अप ट्रेंड है, सही है। तो इसका ये देखें, ये लेवल भी एक अच्छा लेवल है,
ये सारे लेवल। अब थोड़ी देर के लिए डेली पे आ जाए, सही। अच्छा डेली के ऊपर मैं आपको बताता चलूं कि डेली के ऊपर एक लेवल बहुत सिग्निफिकेंट है जो इस पे नजर नहीं आ रहा। एक तो ये लेवल था, दूसरा लेवल इसका पड़ता है ये वाला, ये डेली के हिसाब से है, ये वीकली के हिसाब से नहीं है, ये बात याद रहे। तो इसलिए मैं इसको ब्लू से कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक तो है आप भी जब अपनी प्लॉटिंग करो तो प्लॉटिंग करके इसी तरह से देना, इसको ब्लू करना उसको रेड करना, ठीक है, ताकि पता चले। रेड से मुराद ये है कि ये बेसिकली रेड मतलब एक अलर्ट दे रहा है कि ये वीकली लेवल है, और ब्लू से मुराद ये है कि ये जो है डेली का है, और डेली का नियर टर्म लेवल है, सही है। तो ये चीजें होती हैं, ये आपको वक्त के साथ साथ आएंगी, वक्त से पहले नहीं आएंगी। लेकिन आपकी डिवोशन होनी चाहिए, आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, आपके अंदर सीखने की प्यास होनी चाहिए। आपके अंदर सीखने की प्यास होगी, आप इन चीजों को करते चले जाओगे, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, सही। जी तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन कर रहा है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इसको आप दोबारा से ना अब जाना चाहिए, सही है। आई थिंक ये इम्परफेक्ट ट्रेंड को चीज, आई थिंक मेरे ख्याल से सांबे ये 1260 तो टच करेगा, फिर वहां से उठेगा दोबारा। आई थिंक अगर 1260 को टच करेगा, हाँ ये भी आप कह सकते हो। तो 1260 ही की तो बात हो रही है, 1260 अगर 1260 से अगर नीचे जाता है तो फिर हम थोड़ा सा हिल जाएंगे इसके अंदर, मतलब हम फिर हमारा जो बुलिश व्यू है वो फिर निगेट हो जाएगा और फिर हम बेरिश साइड पर आ जाएंगे, सही है ये चीज है। अच्छा इसमें एक और लेवल जो मुझे नजर आ रहा है वो बेसिकली ये वाला लेवल, ये भी एक अच्छा लेवल है जहाँ से मार्केट उठी है, सही है। बिल्कुल और सही। ये सिर्फ वो नहीं है, ये इधर का भी बहुत अच्छा लेवल होगा, ये हमने मिस कर दिया, सही जी है। तो जी जी ये बुलिश और ये मतलब ये वो लेवल है जो वीकली और डेली दोनों पे सेंक्रोनाइज कर रहा है, मतलब दोनों पे ही आ रहा है, तो नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। ये है मार्केट, ये अच्छे 3 4 मैंने मार्केट सबको करके दिखाई, और कोई मार्केट जो तुम समझते हो कि अच्छी चल रही है। अभी जीबीपी कैट देखो, जीबीपी कैट के ऊपर हेड एंड शोल्डर बना है, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा जो है ना, इस पे भी बहुत अच्छे इस पे लेवल्स मिल रहे हैं। देखो अभी आपके सामने दोबारा वीकली खोला, सेम प्रोसीजर, कोई चेंजिंग नहीं कि पहले कुछ और अब कुछ और, नहीं। स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है, मार्केट का डिजाइन या स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, लेकिन हमारा प्रोसेस चेंज नहीं हो सकता, सही है। आवर प्रोसेस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड रिलायबल, ठीक है। ये वो लेवल्स हैं जिनसे जिनके पास से मार्केट मुड़ी है, ये की रेजिस्टेंस एरियाज हैं बेसिकली। इनको पीछे जाके देखोगे थोड़ी सी मार्केट चौपी है, लेकिन वहां से बेसिकली गिरी है, तो इसका मतलब है ये एक क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक। तो ये बेसिकली इसकी एनालिसिस ही बस इतना सा है, यही इसका एनालिसिस है, ठीक है। और अगर आप मतलब प्राइस अगर आप वो कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप और लगा सकते हो, जितना चाहो आप लगा सकते हो, प्रैक्टिस के अंदर कोई हद नहीं है, देयर इज नो लिमिट, इनफिनाइट, आप करो प्रैक्टिस करो इसको, सही है। तो ये खुद बोल चीख चीख के बता रहा है कि मोहम्मद मैं हेड एंड शोल्डर हूँ, मोहम्मद मैं हेड एंड शोल्डर हूँ, कुछ चीजें बस हमें वही ट्रेड्स लेनी है जो चीख चीख के हमें खुद बताए कि प्लीज मुझे ले लो प्लीज, मतलब ये खुद बता रहा है कि मैं हेड एंड शोल्डर हूँ, मुझे ट्रेड करो, मैं रिवर्सल, अब मेरा जो ट्रेंड होगा वो रिवर्स होगा, क्योंकि ये बेसिकली अरे खुद टेन बता टेन रहा है। टेन अब जैसे नेट लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर ये बस हो जाएगा। हाँ हमेशा याद रखो कि कोई भी चार्ट पैटर्न हो, जब तक उसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो, उसकी नेक लाइन ब्रेक ना हो, इसका मतलब ये है कि वो वैलिडेट है ही नहीं, वो नकली है, मतलब वो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है वो। जब जब उसकी नेक लाइन ब्रेक होगी तभी वो कुछ होगा। और एक और मैं इसमें बात बताता चलूं कि तो थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर इसके करीब, ये एरिया बनेगा कोई तकरीबन इसके करीब, यानी यहाँ पे बात सही। मारती यहाँ तक दोबारा रिटेस्ट करी थी और यहाँ से नेट लाइन ब्रेक की अपडेट ऊपर चली जाएगी, मतलब बेसिकली उससे नेट लाइन का हाँ ब्रेकआउट हो गया लेकिन मारती रिटेस्ट करने आएगी इसे। हाँ मार्केट रिटेस्ट करना है कि, और ये मैं मेरी एनालिसिस देख लेना वीकली फॉरेस्ट का, मैंने वीकली फोरकास्ट जो बताई है उसके अंदर मैंने ये बताया कि मार्केट नीचे आएगी, 50% का एरिया इधर तक बनता है इसका, ठीक ठीक है। है बेसिकली ये पूरा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एरिया है अभी मारती इस चीज से सही। दोबारा उठेगी। हाँ इस चीज से दोबारा उठेगी,
और फिबोनाकी थोड़ी सी टिप देता जाऊँ, फिबोनाकी को भी सिंपल कर लेना, राइट क्लिक करके फिबोनाकी प्रॉपर्टीज में, और अपनी ट्रेड तो तुमने बंद कर दी होगी, अब तो तुम ट्रेड नहीं कर रहे हो ना, फिलहाल ट्रेड नहीं करना जब तक लर्निंग स्टेज चल रहा है तुम्हारा, ठीक है सही है? जब मैं बोलूँ तब डेमो करना, वरना डेमो अभी शुरू भी नहीं करना जब तक मैं ना बोलूँ, सही ठीक है? है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको हटानी है, 261, 161, 61 को भी रखना चाहो रख लो, वैसे मैं हटा देता हूँ। एक बात हमेशा याद रखो, फिबोनाकी के हवाले से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल करके चलना है इसको, और इसका कलर जो भी आपको अच्छा लगे आप रख सकते हो, चलो ये रख लेते हैं, ब्राउन रख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, एक बात हमेशा याद रखो, मार्केट है ना 50% के फिनोमिना को हमेशा फॉलो ऑन करती है, हमेशा फॉलो नहीं, ओपनली इसको फॉलो ऑन करती है, सही है? जब भी मार्केट एक लोअर लो या लोअर हाई बनाती है तो मार्केट जरूर आती है आमतौर पर, मैंने ये देखा है, कभी कभार ऐसा होता है कि इसके नीचे से भी निकल जाती है, लेकिन जनरली इधर आती है, तो सही मार्केट का है? जो वो 50 जो पे वो रोल है मार्केट का, जो मार्केट करती है, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं, वो इसमें नहीं होते। नहीं, हम नहीं देखते उन चीज को, आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, प्रेडिक्शन इन सब चीजों से पाक है। फिबोनाकी को हम उस फिबोनाकी के सिर्फ नेचुरल फिनोमिना तक यूज करते हैं जो कि 50% एरिया है, सही है? ये बात शायद आपको अजीब सी लगे लेकिन है ऐसा ही है। अब ये देखो, ये 50% के करीब से मार्केट गुजरी है, सही है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, जो नेक्स्ट हायर हाई, जो ये हायर हाई नया बना है, इसके हिसाब से यहाँ पे जो बनेगा वो 50% करीब करीब इधर ही बन रहा है, इन दोनों सपोर्ट जोन्स के बीच में, तो मार्केट 100% यहाँ से मोड़ने की चांसेस हैं, कि यहाँ से मोड़ सकती है, लेकिन स्टिल हमें ये भी दिमाग में रखना है कि मार्केट डायनामिक इन नेचर होती है, तो हो सकता है यहाँ पे नहीं भी करें, लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी यही है कि हमारा जो एक प्रिडिक्शन है वो यही है कि यहाँ से मार्केट मुड़ेगी और ऊपर जाएगी, ठीक है? नहीं समझ में आया, नहीं बोला, चल दिया मुझे, मतलब क्या बोल रहे हो, समझ में आ गया ये ना? चीज समझ में आ गई है। सही है, तो ये बात आपको समझ में आई, ये जो एरियाज हैं ये सारे वो एरियाज हैं जो बहुत ही आप कह लो कि बहुत ही जो है ना की सपोर्ट एरियाज है, और ये आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा कि ये कैसे वो करते हैं। अब ये वीकली पे हमने लगाए थे, ये डेली पे कितनी खूबसूरती से प्लॉट हुए हैं, खुद देख लो, हमारे सामने है, मैंने कोई कोई चीज शुगर कोट नहीं करी, मैंने हर चीज आपको सामने रखी है, सही है? तो ये आती है क्वालिटी जब आप अपने आप को इसके अंदर वो करते हो, डेडिकेट करते हो अपने आप को, एक दिन में, एक महीने में, 90 दिन में, 120 दिन में, ये चीजें नहीं आती, ये चीजें टाइम मांगती हैं और आपकी डिवोशन मांगती हैं। समटाइम्स आपको अपसेट मोमेंट्स भी मिलेंगे, लेकिन स्टिल आपको उन अपने जो है सक्सेस की तरफ जाने के लिए थोड़े से दुख और थोड़ा सा अपसेट मोमेंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। यही अगर आप उन तूफानों से निकल जाते हो तो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, और आप लड़ना सीखते हो मुश्किलात से तो फिर ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, उससे पहले आप हाँ ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आप तसव्वुर भी नहीं करना कि आप ट्रेडर बन पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, मैं यही कह पाऊंगा आपसे, एक्सट्रीमली वर्क हार्ड, मैं ठीक है अब ना? इस चीज से देखता हूँ, ये तो इस चीज को इंशाल्लाह इसे गेन करूंगा, इस चीज से की लेवल से। आप जब ये समझ जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मार्केट अब आगे क्या करने वाली है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है, मार्केट हायर हाई पे हायर हाई बना लिया, और मार्केट अब इस लेवल को जो कि बहुत पहले खूबसूरत लेवल यहाँ पे बन चुका था, जो कि पहले भी, आगे अगर मैं पास में जाऊँ तो आपको मैं बता सकता हूँ कि बहुत प्रॉपरली इसने रिस्पेक्ट किया है, तो मुझे मार्केट खुद चीख चीख के बता रही है, मतलब ये इतने लेवल्स वो हैं, पोटेंशियल इनके अंदर है, ये खुद बता रहा है मुझे कि मार्केट इधर आएगी और यहाँ से ऊपर जाएगी, खुद बता रहा है मुझे, तो ये इसकी पावर है जो लोग समझते नहीं है, लोगों को सिग्नल्स लेने की आदत है वगैरह वगैरह, ये सब जो है ना इसलिए कि उनको खुद को ट्रेड करना नहीं आती, सही? तो ये जो चीजें हैं इनको सीखो, ये जो है आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएंगी और हमेशा आपके साथ रहेंगी, आप आज सीखोगे कल आप 2 साल में 3 साल में तैयार हो जाओगे, तो आप दूसरों को मेरी तरह सिखा रहे होगे, सही? तो ये चीजें आपको उस वक्त उसके लिए अहमियत का बाइस बनेंगी, सही? जी सो आज के लिए मेरे ख्याल यही एक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक मैं चाहता जी, था कि कवर करूं, और आगे बात करना इसलिए फजूल होगा क्योंकि अभी एक चीज आपके जहन में घुसी है, इसको प्रॉपरली इसको एब्जॉर्ब करें और इसको समझने की कोशिश करें, और फिर आप मुझे प्रैक्टिस करके बताएं, और मैं आपको थोड़ी देर में या सुबह तक सारी की सारी जो है ना नोट्स वगैरह दे दूंगा, चलें ठीक ठीक है? है, मैं वेट करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके हाफिज़। देन, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।
है।